बस लौटे हैं, तो प्रभु जी की हेतु की कृपा है कि प्रभु जी अभी आज ही बिल्कुल पहुंचे, ऐसे पहले ट्रेवल कर रहे थे और प्रभु जी ने आज हमें अपना संग प्रदान किया। तो हम प्रभु जी का एक बार हार्दिक अभिनंदन करते हैं, स्वागत करते हैं हरे कृष्ण महामंत्र बोल के। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। प्रभु से निवेदन है, प्रभु जी अगर रेडी हो तो पीपीटी शेयर करके आज का सत्र प्रारंभ कर सकते हैं। ज्ञान तिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। नमः ॐ विष्णुपदाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिनिति नामिने नमस्ते सरस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौरा भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे रामा 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 हरे 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 कृष्ण। तो हम लोग चैंटिंग टेक्निक्स के ऊपर बात कर रहे थे पिछली बार। जप करते समय हम किन किन बातों पर ध्यान देना चाहिए हम सबको, तो यहाँ पे बताया गया है कि एक भक्त जो है वो कैसे जप करते समय उसकी क्या प्रार्थना होनी चाहिए, क्या भगवान से क्या मांगना चाहिए, क्या बोलना चाहिए, तो मन में क्या ध्यान कैसे सोचना चाहिए। तो एक व्यक्ति जो जप करते करता है उसको ये इस तरह की प्रार्थना कर सकता है क्या, हे कृष्णा प्लीज सेव मी फ्रॉम माया, हे कृष्ण मुझे अपनी माया से बचाइए, मेरी रक्षा कीजिए। प्लीज सेव मी फ्रॉम माई रेजिंग सेंसेस, हे कृष्ण मुझे मेरी रक्षा कीजिए मेरी ही पागल इंद्रियों से, जो हमारी इंद्रियां हमको बार बार माया में खींच कर ले जाती हैं। वो हमारे बस में नहीं है, केवल कृष्ण ही हमें इंद्रियों से बचा सकते। प्लीज लेट मी चैंट लॉर्ड, हे प्रभु मुझे शक्ति दीजिए मुझे अपने नाम जप में, नाम जप करने की मेरे अंदर इच्छा प्रदान कीजिए, ताकि मैं अधिक से अधिक आपका नाम कर सकूं और आपकी सेवा में अपने इंद्रियों को अधिक से अधिक लगा सकूं।
प्लीज लेट मी चैंट हरे कृष्णा सिंसियरली। मैं हृदय से, निश्चल हृदय से, कोई बिना किसी छल के, निष्कपट भाव से मैं आपका नाम जप कर सकूं, इसकी मुझे कृपा प्रदान कीजिए। प्लीज डू नॉट लेट मी गो अवे फ्रॉम योर लोटस फीट। फिर मेरे ऊपर कृपा कीजिए ताकि मैं आपके चरण कमलों को छोड़कर माया में ना जाऊं। तो इस प्रकार की प्रार्थना हमें जप करते समय एक साधक को करता करना चाहिए। मन में भावना ऐसी होनी चाहिए कि प्रभु मुझे अपनी माया से रक्षा कीजिए, मेरी इंद्रियों को अपने चरण कमलों में लगाइए, ना कि माया की सेवा में। इस तरह से प्रार्थना करते हुए जब कोई साधक जप करता है तो उसका ज्यादा लाभ होता है। क्योंकि देखिए, मन तो बिल्कुल खाली नहीं रह सकता, कुछ ना कुछ सोचेगा ही, तो क्यों ना हम इन सब चीजों को सोचें जप करते समय, तो इससे जप में ज्यादा लाभ होता है। द डिवोटी शुड चैंट फीलिंग ए पर्सनल कनेक्शन विथ हिज स्पिरिचुअल मास्टर। ऑलवेज रिमेम्बर दैट यू प्रोमिस्ड योर स्पिरिचुअल मास्टर टू चैंट हरे कृष्णा विदाउट ऑफेंसेज, इंक्लूडिंग द ऑफेंस ऑफ इनअटेंटिव चैंटिंग। तो हम ये नहीं सोचना चाहिए कि हमको कौन देख रहा है, हम कैसे जप कर रहे हैं, हम तो अकेले हैं। तो भक्तों के बीच में भी बैठे हैं तो भक्तों तो अपना अपना जप करने में बिजी हैं, तो मेरे को कौन देखेगा, थोड़ी देर सो लूंगा या ध्यान से नहीं भी करूंगा तो किसको पता चलेगा कि ध्यान से कर रहा हूँ कि नहीं कर रहा हूँ, है कि नहीं। कई बार जब करते समय हम लोग इधर उधर की बातों में अपने मन को लगा सोचता है, मन सोचता रहता है, जीभ से जब कर चलता है। तो हम लोग, मैं देखता हूँ कि कई बार हम लोग प्रयास भी नहीं करते मन को समझाने का, हम सोचते कौन देख रहा है, क्या गुरु महाराज थोड़े ना चेक करने आए हो मैं कैसा जप कर रहा हूँ। इसका मतलब है हम लोग इम्पर्सनल हैं, पर्सनल कनेक्शन गुरु से होना चाहिए हमारा जप करते समय। क्या पर्सनल कनेक्शन का मतलब क्या है, कि पर्सनल कनेक्शन का मतलब ये है कि हमको ये समझना चाहिए कि हमारे गुरु महाराज को मैंने वचन दिया कि मैं अपराध रहित, अपराधों से बचते हुए जप करूंगा, मैं ध्यान पूर्वक जप करूंगा। तो जब हमने वचन दिया उनको तो हमें प्रयास करना है कि मैं उसका पालन करूं। अगर हम याद रखते हैं अपने वचन को, इसका मतलब हम गुरु से हमारा पर्सनल कनेक्शन है। और अगर हम गुरु को ध्यान नहीं रखते हैं कि गुरु महाराज क्या सोचेंगे, अगर गुरु महाराज मेरे मन को पढ़ पाते हैं तो क्या सोचेंगे कि मैं कितना लापरवाही से जप कर रहा हूँ, ये सोच के एक्चुअली हमें ऐसा सोचना चाहिए हमारे गुरु जो हैं 2400 घंटे हमारे साथ हैं, विशेष रूप से जो हम साधना कर रहे हैं ना, तो ये बातें ध्यान रखना चाहिए, तब हम ध्यान पूर्वक जब कर पाएंगे। कुछ टेक्निक्स मैं बता रहा हूँ। आप लोगों का प्रश्न जो है अभी मैं नहीं लूंगा, प्रश्न लास्ट में लूंगा, कोई हाथ ना उठाया अभी, अगर आप उठाएंगे अभी तो अभी मैं पहले प्रेजेंटेशन दे लूंगा, उसके बाद ही प्रश्न लूंगा। अब दूसरा जो समस्या आता है कंप्लेसेंसी, कंप्लेसेंसी मतलब आलस है ना, जब करते समय आलस, तो उसको से कैसे बचा जाए। तो कैसे, सबसे पहले तो लक्षण जानना चाहिए, लक्षण क्या है, कैसे पता चलेगा कि हम लोग क्या है, कंप्लेसेंट है, हम लोग आलसी हैं, इसका क्या लक्षण है, है? तो यहाँ बता रहे हैं कि जो व्यक्ति आलसी होता है उसको कोई जल्दीबाजी नहीं है कृष्णा कॉन्शियस बनने की, पता है आराम से बनेगी यार, इतना हड़बड़ी क्या है ना, इतनी भी जल्दीबाजी क्या है, अभी तो बहुत टाइम है ना, क्या इतना सीरियस लेना है, आराम से जब करो है ना।
धीरे धीरे, तो वो गंभीरता से नहीं जप करता है, वो आराम से जप करता है ना, बिना कोई प्रयास नहीं करता है। तो ऐसे व्यक्ति को कहते हैं कि कंप्लासेंसी, आलसी व्यक्ति, राम नाम में आलसी। आप लोगों ने कहा सुनी होगी, वो व्यक्ति नाम जप में क्या रहता है, या कृष्णा कॉन्शियस बनने की उसको कोई हड़बड़ी नहीं, कोई जल्दबाजी नहीं है, तो बीच बीच में थोड़ा माया का भी आनंद लेता है, फिर थोड़ा भक्ति भी कर लेता है। कोई बोले प्रभु आप देखो भगवत धाम नहीं जाओगे ऐसे करके, तो बोले तो कोई किसको परवाह है इतने भगवत धाम जाने ना, तो वो सीरियस नहीं है। पर ही इज ऑल्सो स्लैक इन सर्विसेज, सेवाओं को भी अगर कोई सेवा दिया जाता है, कोई सेवा लेता है तो ध्यान से नहीं करता है सेवा को, ना बाद में बोलेगा नहीं नहीं मेरे से नहीं होगा, आप अपना देख लीजिए, मेरे पास टाइम नहीं है। टाइम नहीं था तो लेना नहीं चाहिए था, पर लिए हैं तो उसको करना चाहिए, क्योंकि ये नहीं सोचना चाहिए कि भगवान देख रहे हैं, हर चीज मॉनिटर कर रहे हैं। पढ़ते समय हम लोग कितना प्रभुपाद जी किताब पढ़ते हैं कि नहीं पढ़ते हैं, हम लोग भक्तों के संग में बैठकर प्रवचन सुनते हैं कि नहीं सुनते हैं, ये सब चीजों को करते समय हमें कितनी गंभीरता दिखा रहे हैं, उसी से पता चलता है कि हम लोग कितने सीरियस हैं भक्ति में, हम लोग कंप्लासेंट है कि नहीं है। तो कई लोग लेक्चर में बैठते हैं और सोते सो जाते हैं, मैंने देखा है सो रहे हैं लेक्चर में बैठ के। हैं तो इसका मतलब वो सीरियस नहीं है। हाँ प्रयास करने के बाद बहुत थके हुए फिर नींद आए तो अलग बात, जनरली हमें प्रयास करना चाहिए कि हम लोग सीरियस रहे, है ना। तो बता रहे कि कॉम्प्लेसेंसी इज ए डिजीज और हियरिंग डेफिशिएंसी। तो व्यक्ति जो है कॉम्प्लेसेंट कैसे हो जाता है, कॉम्प्लेसेंट कैसे हो जाते हैं, मतलब व्यक्ति लापरवाह कैसे हो जाता है भक्ति में, इसका कारण क्या, मूल कारण यहाँ बता रहे हैं क्या, हियरिंग डेफिशिएंसी। इसीलिए मैंने आप लोगों के लिए थर्सडे का क्लास शुरू किया, ताकि हम लोग हियरिंग कर सके, श्रवणम कर सके। अगर हम लोग ज्यादा श्रवण करेंगे तो हम लोग ज्यादा गंभीर भक्त होंगे, सिंपल बात है। अगर हम श्रवणम नहीं करेंगे हम गंभीर, हमारी गंभीरता चली जाएगी, हम लोग लापरवाह होंगे। तो कारण क्या है, लापरवाही का कारण क्या है, श्रवणम में कमी। श्रवणम की कमी जब होगी तो हम भक्ति में ढीले हो जाएंगे। तो क्यों कैसे, अरे बाय नॉट हियर फिलोसफी, अगर हम संबंध ज्ञान नहीं सुनेंगे, सिद्धांत नहीं जा सुनेंगे, प्रवचन नहीं सुनेंगे, तो क्या होगा, यहाँ पे सात बातें बताएंगे। पहला, वन फॉल्स इनटू इल्यूजन, व्यक्ति माया में गिर जाएगा। वन इमेजिन्स इनजस्टिस एंड डिफिकल्टीज इन स्पिरिचुअल लाइफ, उसको भक्ति में लगता है अरे इसमें बहुत कष्ट है, बहुत अन्याय हो रहा है यहाँ पर कोई अच्छा नहीं है, अरे बहुत समस्या है यहाँ भी, इस कौन में भी, तो केवल प्रॉब्लम दिखेगा ना, केवल अन्याय दिखेगा चारों तरफ। अगर ऐसा दिख रहा है इसका मतलब आप थोड़ा, आपको श्रवणम कमी है, आप सत्संग नहीं कर रहे हैं, प्रवचन नहीं सुन रहे हैं, इसलिए इसकी कमी के कारण ये सब क्या है, लक्षण है श्रवणम की कमी के, है ना। जैसे हम लोग जाते हैं ब्लड टेस्ट कराते हैं, तो उसमें ब्लड टेस्ट में बता देता है कि आपके ब्लड में ये कमी है, आपके शरीर में विटामिन डी की कमी है, हीमोग्लोबिन की कमी है, इस चीज की कमी है, ये बढ़ा हुआ है, और ये बढ़ा हुआ है इसका कारण ये है, और इसको ठीक करने के लिए ये दवाई लेनी पड़ेगी। उसी तरह से अगर किसी को दोष दिख रहा है, मैं भक्ति में समस्या दिख रही है, तो इसका मतलब उसको हियरिंग की कमी है। और हियरिंग जैसे ही बढ़ाएंगे, श्रवणम बढ़ाएंगे, सत्संग बढ़ाएंगे, तो ये सब चीजें ठीक हो जाएंगी।
बिकम स्नेयर्ड इन टू मटेरियल प्लान मेकिंग। जो व्यक्ति श्रवणम नहीं करेगा वो क्या करता है, उसका लक्षण श्रवणम की कमी से क्या होता है कि वो भौतिक प्लान बहुत ज्यादा बनाता है, मुझे ये अचीव करना है, मेरे को ये करना है, मुझे इतना पैसा कमाना है। मतलब पैसा धन जरूरी है परिवार चलाने के लिए, पालन पोषण करने के लिए अपना, वो आवश्यक है, लेकिन दिन रात केवल उसी के बारे में सोचना ये शुरू कर देता है। भक्ति के बारे में जैसे बोल प्रभु थोड़ा भक्ति का भी प्लान बना दो, बोलता है भक्ति का प्लान नहीं बनाऊंगा, भक्ति तो बुढ़ापे की चीज है ऐसे बोलेगा। अभी तो मेरे को पैसा कमाना है, अभी तो मेरे को बड़ा बंगला बनाना है, अभी तो मेरे को बहुत कार खरीदनी है, ये करना है वो करना है, इसके लिए मेरे को प्लान बनाना है। तो दिस क्यों, क्योंकि सत्संग कम कमजोर हो रहा है। चौथा, फॉरगेट हिज आइडेंटिटी एज सर्वेंट ऑफ कृष्ण, भूल जाता है कि वो कृष्ण दास है, वो सोचता है मैं माया दास हूँ, मैं संसार का दास हूँ, मैं अपनी इंद्रियों का दास हूँ। और कृष्ण को प्रसन्न करने के बजाय वो संसार को प्रसन्न करता है, अपनी इंद्रियों को प्रसन्न करने का लक्ष्य बना लेता है। इसका मतलब है कि वो श्रवण कम कर रहा है, श्रवणम से ही सारी समस्या हल हो सकती है। श्रवणम छोड़ देंगे, श्रवणम कम कर देंगे तो ये सारी समस्याएं बढ़ जाएंगी। फिर पांचवा, मेंटल एक्टिविटी रिप्लेसेस कंसेंट्रेशन ऑफ राउंड्स। और जपा इज एफ्लिक्टेड, जप जो है वो फिर प्रभावित होता है। दिस इलनेस इन द एडवांस स्टेजेस लीड्स टू वैष्णव अपराध। और यही चीज जब लंबे समय तक जाएगा तो कुछ समय के बाद इससे क्या होने लगेगा, वैष्णव अपराध होने लगेगा, गुरु अपराध होने लगेगा, और फिर व्यक्ति माया में गिर जाएगा। तो इसका मूल ये सब लक्षण है किस चीज के, श्रवणम की कमी के कारण, सत्संग की कमी से ये सब होता है। हमें ये समझना चाहिए कि चैंटिंग इज नॉट जस्ट ए टेक्निक। ये तो जी चार पांच टेक्निक बनाइए बताइए जैसे कि मैं शुद्ध भक्त बन जाऊं, केवल टेक्निक से नहीं होगा, है ना। सो डोंट इंट्रोड्यूस चैंटिंग एज ए चीप थिंग। कोई सस्ता चीज नहीं है कि जस्ट कुछ टेक्निक अप्लाई कर लेने से आप शुद्ध भक्त बन जाएंगे, नहीं। है ना, शुद्ध भक्त कैसे बनेंगे, जब हमारा भगवान से संबंध बनेगा तब हम उनका नाम जप और अच्छे से ले पाएंगे ना। जब हमारे हृदय में सबसे पहले तो हमारा कॉन्सेप्ट क्लियर होगा, मैं कौन हूँ, भगवान कौन है, मेरा क्या संबंध है उनसे, और फिर उसी के अनुसार हम लोग उनकी सेवा करने का प्रयास करेंगे। सो आवर ट्राइंग टू चैंट नाइसली इज सेटिस्फाइंग टू कृष्णा एंड ही रेस्पॉन्ड, बट अल्टीमेटली इट इज नॉट बाई आवर हार्ड एंडेवर दैट ही डज सो ना। अल्टीमेटली ओनली लविंग सर्विस प्लीजेज ही। भगवान को आकर्षित करने के लिए हमें क्या करना चाहिए, उनकी प्रेममयी सेवा करनी चाहिए। कई बार हम लोग सेवा तो करते हैं, मैंने देखा है भक्तों को कि सेवा तो करते हैं लेकिन सेवा करके ऐसा लगता है जैसे कि एहसान किया है हमने, है ना, और सोचते हैं हम लोग क्या सेवा करने के बाद थोड़ा मेरा नाम अनाउंस होना चाहिए, और हमारा नाम नहीं अनाउंस, किसी और के अनाउंस हो गया तो हमको क्या लगता है, अरे अन्याय हो रहा है यहाँ पर, राजनीति हो रही है यहाँ पर, ऐसे सोचने लगता है मन हमारा, है ना। तो क्या इसका मतलब कि हम लोग इस सब चीजों के लिए सेवा नहीं करना चाहिए। लोग सेवा किस लिए करनी चाहिए, कृष्ण को प्रसन्न करने के लिए, ताकि कृष्ण प्रसन्न हो जाए, कृष्ण खुश रहे हैं। कोई भी सेवा कीजिए, अगर आप कोई व्यक्ति झाड़ू लगा रहा है मंदिर में, कोई बर्तन साफ कर रहा है, तो ये सोचना चाहिए कि कृष्णा किचन में आएंगे और देखेंगे कि बर्तन कैसे साफ हुआ है, बर्तन चमक रहा है या केवल किसी ने पानी फेंक के लाके रख दिया है, केवल पुरुष सूक्त प्रार्थना उच्चारण करने से भगवान प्रसन्न नहीं होते हैं, भगवान देखते हैं कि सेवा करते समय हमारा भाव क्या है, उस भाव के आधार पर भगवान हमको नंबर देते हैं। अगर हमारा ये भाव है
कि मैं तो भगवान के योग्य, सेवा करने के योग्य भी नहीं हूँ। ब्रह्मा शिव आदि देवता लाइन में खड़े रहते हैं प्रभु के सेवा के लिए, फिर भी प्रभु ने मुझे कुछ सेवा दिया है, मैं कितना भाग्यशाली हूँ। अब मुझे इसका पूरा लाभ उठाना है इस मौके का, और ऐसी सेवा करूँ प्रेम से ताकि ठाकुर जी प्रसन्न हो जाएं और मुझे इस जन्म मृत्यु चक्र से मुक्त कर दें। हमें कोई भक्त सेवा देता है तो हमें नहीं सोचते इस भक्त ने दिया है, हमें सोचना चाहिए कि राधा रानी ने दिया है, ऐसे सोचना चाहिए। कृष्णा ने दिया है, ऐसे सोचना चाहिए। हैं क्यों, इससे क्या फायदा होगा अगर हम ऐसे सोचेंगे तो? अगर हम सोचेंगे कि सत्य भानु प्रभु ने मेरे को सेवा दिया था, ऐसे ही कौन होता है सत्य भानु मेरे को बताने वाला, मैं नहीं करूंगा, तुम कौन होते हो मेरे को सेवा देने वाले, हैं अपना देखो प्रभु। लेकिन अगर कोई आके बोल दे प्रभु माता जी राधा रानी ने आपके लिए एक सेवा भेजा है, अरे राधा रानी ने भेजा है, बताइए कहता है क्या भेजा है बताइए, तुरंत तो हम लोग सीरियस हो जाएंगे, है कि नहीं? अगर कोई भक्त हमें कोई सेवा दे रहा है अथॉरिटी, तो हमें ये सोचना चाहिए कि राधा रानी ने दिया है, भेजा है, राधा रानी ने मुझे आज याद किया। तो भगवान हमको याद करते हैं, कैसे करते हैं, सेवा भेजते हैं। अगर सेवा दे रहे हैं इसका मतलब हमें याद कर रहे हैं, ऐसे सोचना चाहिए। अगर किसी को कोई सेवा नहीं दे रहे हैं इसका मतलब, मतलब क्या मतलब कि भगवान ये नालायक है, ये कुछ करेगा नहीं, इसको कोई फायदा नहीं, मैंने अपेक्षा नहीं करता, है ना, ऐसे इसका मतलब भगवान की नजर में हमारी इमेज अच्छी नहीं है। इसलिए अल्टीमेटली ओनली लविंग सर्विस प्लीजेज हिम, ये बात याद रखिए। भगवान तपस्या से प्रसन्न नहीं होते कि आप 4 महीने तक केवल पानी पी कर रहे हैं और आपने बहुत पानी बचाया भगवान का, ताकि भगवान को प्यास ज्यादा एक्स्ट्रा प्यास लगे वो बुझेगी, आपका पानी बचाने से भगवान की प्यास बुझेगी, ऐसा निर्जल करने से एक दिन 5 लीटर आपने पानी बचा दिया ताकि भगवान पी सके, है इसे भगवान प्रसन्न होंगे नहीं प्रसन्न होंगे, ये सबसे भगवान नहीं प्रसन्न होते। भगवान प्रसन्न कब होते हैं, जब हम लोग उनकी सेवा करते हैं, है ना, और सेवा कैसे करें, प्रेम से करें, मतलब प्रेम का मतलब उसके बदले में कुछ ना चाहे, है ना, धनम ना जनम ना सुंदरीम कविताम बा जगदीश हामय, हे जगदीश मुझे धन नहीं चाहिए, मुझे अनुयायी नहीं चाहिए, मुझे संसार का वैभव ऐश्वर्य नहीं चाहिए, मुझे मान प्रतिष्ठा सम्मान नहीं चाहिए, क्या चाहिए फिर? फिर क्यों हरे कृष्णा कर रहे हो, हैं? तो कहना चाहिए कि बस क्या चाहिए आपको, क्यों सेवा कर रहे हो मेरा, पता नहीं मैं आपकी सेवा कर रहा हूँ ताकि मुझे और सेवा दीजिए, सेवा के बदले में सेवा दीजिए, और सेवा दीजिए ताकि मैं और आपकी सेवा कर सकूं, यही मांगना चाहिए। निवेदन धर सखी रनुगता करो सेवाय अधिकार दिए करो निज दासी, है सेवा अधिकार दिए करो निज दासी, हे तुलसी महारानी मुझे सेवा का अधिकार देकर मुझे अपना दासी बना लीजिए। जैसे टेम्पल प्रेसिडेंट होता है इस्कॉन में किसी टेम्पल का अध्यक्ष, वैसे ही वृंदावन टेम्पल प्रेसिडेंट कौन है वृंदावन का, तुलसी महारानी, तुलसी महारानी वहाँ के टेम्पल प्रेसिडेंट हैं, और उन्हीं के हाथ में किसको सेवा मिलेगा किसको नहीं मिलेगा, इसलिए भक्त लोग ले थोड़ा सा मेरे को भी आज सेवा दे दीजिए तुलसी महारानी, तो निवेदन करते हैं, भीख मांगना चाहिए, सेवा की भीख। मुझे याद है एक बार मैं अहमदाबाद गया था,
और मैं हम लोग उमंग फेस्टिवल कर रहे थे वहाँ पे, लगभग 1-1.5 हजार यूथ बैठे हुए थे, और गुरु महाराज जो हैं वो, उनका भी लेक्चर था, और वहाँ पे एक सीनियर डिवोटी हैं प्रभुपाद डिसाइपल, अब नहीं रहे, उनका नाम था जसोमती नंदन प्रभु, तो वो लेक्चर दे रहे थे, और गुरु महाराज उनके बाद देने वाले थे, गुरु महाराज की बारी आने वाली थी उनके बाद, गुरु महाराज बैठे हुए थे सोफा पर और मैं उनके बगल में बैठा था, है ना, और महाराज जप कर रहे थे, मैं उनको देख रहा था कि कैसे जप कर रहे हैं, और फिर तभी महाराज अचानक, है ना, दोनों हाथ जोड़ के प्रार्थना करने लगे अचानक, हे कृष्णा हे कृष्णा हे कृष्णा हे कृष्णा, ऐसे बोलने लगे महाराज, हे कृष्णा मुझे अपनी सेवा में लगाओ, मुझे अपनी सेवा में लगाओ, है ना। मैं देखा कि महाराज 3 बार सेवा में लगे रहते हैं, फिर भी भगवान से प्रार्थना करे, और सेवा दो और सेवा दो और सेवा दो और सेवा दो, हमें सीखना चाहिए कि इन महान भक्तों से सीखना चाहिए। तो केवल यही भाव, सेवा भाव, क्या सेवा भाव से ही हम भगवान को प्रसन्न कर सकते हैं। मैं देखता हूँ हम लोग सेवा तो करते हैं लेकिन बहुत अकड़ दिखाते हैं, है ना, हमने ये कर दिया हमने वो कर दिया, नहीं किसी को पता भी नहीं चले। भक्त तो कैसे होना चाहिए, नमक की तरह होना चाहिए, कैसे होना चाहिए, नमक की तरह, सब्जी में जैसे नमक होता है, सब्जी का सारा टेस्ट किस पे निर्भर होता है, नमक पे निर्भर होता है कि नहीं। मान लीजिए आपने बहुत महंगी महंगी सब्जी खरीद के लाए और उसको पका दिया, लेकिन उसमें 25 पैसे का नमक नहीं डाला है, 500 रुपये का सब्जी लेकिन 25 पैसे का आपने नमक नहीं डाला, कैसे लगेगा खाने में, कोई नहीं खा पाएगा, उसका कोई वैल्यू नहीं है 500 रुपये का सब्जी, अगर आपने उसमें नमक नहीं डाला तो, ठीक है नहीं। तो नमक से ही, हालांकि 25 पैसे का नमक है लेकिन उससे ही सब्जी में क्या आता है, टेस्ट आता है। तो लेकिन देखो नमक, सारी सब्जी तो दिखाई देती है, नमक दिखाई देता है सब्जी में, नहीं दिखाई देता है, सारा टेस्ट का कारण वही है लेकिन वो दिखता नहीं है। उसी तरह से भक्त होना चाहिए, कि सारी सेवाएं वो करे, सारी सेवाओं का जो इतनी सारी चीजें हो रही है उसके पीछे उसका बहुत बड़ा योगदान होता है, लेकिन वो कहीं दिखेगा नहीं, प्रयास करे कि वो स्टेज पे ना दिखे, वो लाइम लाइट में ना रहे, वो क्रेडिट ना ले, वो पीछे पीछे छुप के रहे, दूसरों को क्रेडिट दे, ऐसा भक्त जब बन जाएंगे तब आपका जप बहुत अच्छा हो जाएगा। जो वाहवाही लूटने में लगा रहता है वो नहीं, उसको कृपा नहीं मिलेगी। इसीलिए चैतन्य महाप्रभु ने क्या कहा, ऋणादपि सुनी चे न तरोरपि सहिष्णुना अमानिना मानदेन कीर्तनीय सदा हरि। तृण से भी अधिक नीच मानना और वृक्ष से भी सहनशील, मिथ्या मान की भावना से सर्वथा शून्य हो जाना, मेरे को कोई सम्मान नहीं चाहिए, नो सम्मान नो रेस्पेक्ट। तो सेवा करना है लेकिन बदले में कुछ नहीं मांगो भगवान से, है ना, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, इसी को कहते हैं प्रेम नहीं सेवा, प्रेम। तो भगवान इससे बहुत प्रसन्न होते हैं और बहुत जल्दी आपको कृपा देंगे। और दूसरा भगवान को प्रसन्न करने का आप जानते हैं क्या, और सेवाओं में भी बहुत सारी सेवाएं हैं, कुछ सेवाएं ऐसी होती है जिसमें व्यक्ति लाइम लाइट में रहता है, जैसे ब्यास आश्रम में बैठ कर लेक्चर दे देना, है ना, या रथ यात्रा हो तो रथ पे बैठ जाना जाके, ठीक है नहीं। तो कुछ लोग रथ पे बैठ जाते सोचते देखो मैं कितना भाग्यशाली हूँ, जो नीचे खड़े रहते हैं बोलते अरे ये व्यक्ति कितना भाग्यशाली है रथ पे बैठा हुआ है, हे प्रभु कब वो दिन आएगा कि मैं भी रथ पे बैठ जाऊं, नहीं बल्कि उल्टा है ना।
जो भगवान की कृपा लाइमलाइट में जो ज्यादा रहेगा उसको उतनी कृपा नहीं मिलती है। कृपा किसको मिलती है? जो अपने आप को विनम्र स्वच्छ मानता है। जैसे राजा प्रताप रुद्र थे, तो चैतन्य महाप्रभु जी के दर्शन करना चाहते थे, हालांकि वहां के राजा थे, लेकिन महाप्रभु जी ने महाराज प्रताप रुद्र को दर्शन देने से मना कर दिया, नहीं मिलूंगा उस। लेकिन जब जगन्नाथपुरी में रथ यात्रा हो रही थी, तो चैतन्य महाप्रभु जी ने देखा कि राजा प्रताप रुद्र क्या कर रहे हैं, एक भंगी का ड्रेस पहन के हैं झाड़ू लगा रहे हैं जगन्नाथ जी के लिए। पोजीशन है राजा का, लेकिन काम कर रहे हैं भंगी का, झाड़ू लगाने वाले का, झाड़ू लगा रहे थे। जब भगवान ने देखा, चैतन्य महाप्रभु ने, कि अरे ये राजा होके और झाड़ू लगा रहे हैं भगवान के लिए, तो भगवान तुरंत प्रसन्न हो गए, बोले इसको मैं अब कृपा दूंगा, मैं तुरंत कृपा देने के लिए तैयार हूँ। तो बर्तन धोना, झाड़ू लगाना भगवान के मंदिर में, और सबसे बेस्ट सेवा है टॉयलेट क्लीन करना मंदिर में, उससे सबसे अधिक कृपा मिलती है ना। लेकिन जनरली भक्तों से, अरे हमको तो किचन में डाल दिया, सब लोग तो स्टेज पे बैठ गए हैं, हमको किचन में, हमको कोई देख, कौन देख रहा है? नहीं, भगवान आपको देख रहे हैं, हमेशा याद रखिए, भगवान हमको देख रहे हैं। भगवान को आप देखिए और आपको भगवान देखें। तो जितना हम पीछे रहेंगे उतना हम आगे बढ़ेंगे, हमेशा ये फॉर्मूला याद रखिए। क्या है? चैट बॉक्स में लिखिए, अभी मैंने क्या बताया है, मैं पढ़ रहा हूँ चैट बॉक्स, कि जितना हम पीछे पीछे रहेंगे भक्ति में उतना ही आगे बढ़ेंगे, और जितना हम आगे आगे जाने का उतावला रहेंगे कि सबसे आगे नंबर वन हो जाएं, उतना ही हम भक्ति में पीछे चलते जाएंगे। इस बात को हमेशा याद रखिए। ये सब कुछ सिद्धांत है, फॉर्मूला है। अगर हम उल्टा करेंगे कि आगे 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 नंबर वन नंबर वन, अगर आप नंबर वन भी हैं तो भी आप प्रयास करो कि पीछे रहो। कई भक्त देखो दान सबसे ज्यादा देते हैं, लेकिन बोलते हैं मेरा नाम मत अनाउंस कर, मेरा नाम नहीं दिखना चाहिए कहेंगे। जब कृष्णदास कविराज गोस्वामी जी चैतन्य चरितामृत लिख रहे थे, तो महान वैष्णवों से आशीर्वाद लेने गए। उस समय वृंदावन में एक महान संत थे जिनका नाम था श्री लोकनाथ गोस्वामी जी, श्री भूगर्भ गोस्वामी जी। और जब श्री कृष्णदास कविराज गोस्वामी जी गए श्री लोकनाथ गोस्वामी जी के पास कि आप हमें आशीर्वाद दो हे ठाकुर, कि मैं ये कार्य पूर्ण कर सकूं, ये सेवा पूरे पूर्ण कर सकूं, लोकनाथ गोस्वामी जी ने कहा, भूगर्भ गोस्वामी जी ने कहा कि मैं आपको कृपा देने के लिए तैयार हूं, लेकिन एक शर्त, एक शर्त पर मैं आपको कृपा दूंगा। क्या है सर? बोले इस किताब में मेरा नाम मत कहीं नहीं आना चाहिए। अगर आप चाहते हैं मेरी कृपा, तो नाम के पीछे मत, नाम मत डालिएगा, क्योंकि मैं इतना पतित हूं कि मैं नहीं चाहता कि किसी को मेरे नाम भी लेना का मौका मिले। तो ये है विनम्रता। तो विनम्रता ही प्रेम के लक्षण है ना। इस संसार में हर व्यक्ति क्या चाहता है? नंबर वन बनना चाहता है। यहाँ तक मैं देखता हूँ कि इस्कॉन में भी आने के बाद डिवोटी में होड़ लग जाता है, नंबर वन बुक डिस्ट्रीब्यूटर, नंबर वन प्रीचर, नंबर वन, नंबर वन, नंबर वन, है कि नहीं? मेरे को वन नंबर वन अवार्ड मिलना चाहिए था, मैंने सबसे ज्यादा काम किया है।
नहीं, हमें इस सब के पीछे नहीं भाग, नाम प्रतिष्ठा इस सब के पीछे नहीं भागना चाहिए, हमें छुप के सारी सेवाएं करनी चाहिए नमक की तरह। इसलिए याद रखिएगा, नमक की तरह बनना है हमें। सब कुछ कीजिए अच्छे से, लेकिन कहीं पे भी दिखिए मत, प्रयास कीजिए इसका। तो ये इससे, अगर चैंटिंग में हम चाहते हैं कि हमारे चैंटिंग में मन लगे, तो हमें ये सब चीजें करना पड़ेगा। ओनली लविंग सर्विस कीजिए कृष्ण। तो ये हो गया कंप्लेसेंसी से कैसे डील करना है, लापरवाही से कैसे बचें है? तो उसके लिए मैंने कुछ आपको सिद्धांत बताए। अब हम लोग पुअर क्लैरिटी पे चर्चा करेंगे। पुअर क्लैरिटी, पुअर क्लैरिटी का मतलब है कि जब करते समय जो उच्चारण है नाम का, वो स्पष्ट नहीं हो करते हैं, अस्पष्ट उच्चारण नहीं करते। हम देखो, हरे कृष्ण राम 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 राम, हरे कृष्ण हरे कृष्ण कृष्ण राम 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 राम, कृष्ण 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 राम 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 राम, हरे हरे कृष्ण 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 राम 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 राम, हरे कृष्ण 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 हरे राम 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 राम, हरे हरे कृष्ण 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 राम। ऐसे जब करते हैं, मैंने बहुत देखा है, गाड़ी छूट रही है एकदम, और जल्दी से गाड़ी पकड़ना है ना, ऐसे करते हैं। इसके कारण तो पुअर क्लैरिटी इसको बोलते हैं, स्पष्ट नाम उच्चारण है, हरे कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। देखिए हर शब्द तेज भी हुआ है, लेकिन हर शब्द क्या है इसमें, स्पष्ट है। तो इस तरह से क्लियर जप करना है, यानी कि कोई बीच में मिस कर गया ना, ना? और ध्यान से सुनना, इन अटेंटिवनेस इन हियरिंग, और हैज टू फिनिश है अब 16 राउंड, जल्दी जल्दी खत्म करना है। मेरा टारगेट है प्रभु, हमें नंबर वन टारगेट है कि मेरे को 1 घंटे के अंदर 16 माला खत्म करके दिखा दूंगा आज, है ना टारगेट। एक घंटे में अगर 16 माला खत्म हो जाएगा प्रभु, जिस दिन मेरा, उस दिन मैं भगवत धाम पहुंच जाऊंगा। ऐसा है क्या? नहीं। तो जब करते समय हमें मेन पॉइंट ये है कि हम लोगों को जल्दीबाजी नहीं करना, बहुत धीरे भी नहीं करना है, बट बहुत फास्ट भी नहीं करना है। इतना करना है जैसे कि स्पष्ट उच्चारण हो सके और हम उसको सुन पाए। तो जो मैंने पेश आपको बताया, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। क्योंकि इसमें कोई मम्बलिंग भी नहीं है साउंड, और हर शब्द इस, तो ये पुअर क्लैरिटी। अब एक और समस्या कहते हैं ड्राउजीनेस। ड्राउजीनेस मतलब नींद आना जपते समय, झपकी लेना, झपकी आ जाना, ये बहुत लोगों की समस्या होती है। इससे कैसे बचे, क्या बता रहे, एज फार एज स्लीपिंग इन जपा, इफ यू गेट ए गुड 6 आवर्स ऑफ रेस्ट, इट शुड बी एबल टू अवॉइड। तो इसका सबसे पहले कि अच्छे से रेस्ट लो, कम से कम 6 घंटे का रेस्ट लेना चाहिए व्यक्ति को। अगर आपका विश्राम सही से नहीं हुआ है, तो जब की नींद आएगी। कई लोग लेट सोते हैं,
जल्दी उठ जाते हैं, उससे क्या होता है फिर जप में नींद आती है, तो ये पहला चीज है। दूसरा, चैंटिंग जपा इन द एसोसिएशन ऑफ डिवोटी हेल्प, भक्तों के साथ बैठकर जप कीजिए, तब अकेले में नींद आने के ज्यादा चांस रहता है, इसलिए भक्तों के साथ बैठकर जप करना है। और तीसरा, रूप गोस्वामी कंपेयर सच रिलक्टेंट चैंटर और द न्यू फाइट टू ए मैन विद जॉन्डी। तो ये जो ट्रिप्स है, टिप्स है, इफ आफ्टर चैंटिंग योर राउंड यू रियलाइज देर इज नो अर्जेंसी नो स्ट्रगल देन दैट इज ए बैड साइन। अगर जप करते समय आपको संघर्ष नहीं हो रहा है, इसका मतलब अच्छी बात नहीं है, थोड़ा स्ट्रगल करना चाहिए भगवान के लिए। क्या करना चाहिए? स्ट्रगल स्ट्रगल। नींद आ रहा है तो क्या करना है? स्ट्रगल करना है, स्ट्रगल, संघर्ष कीजिए, खड़े हो जाइए, जाके पानी मार के आइए आंख पर, देखो फिर आके जब कीजिए। मुझे याद है 2006, 2005, 2006 के लगभग में, जब मैं, मुझे याद है उस समय जब जब करता था तो इतनी नींद आती थी उस समय मुझे कि मैं आश्चर्यचकित हो जाता, इतना नींद कहाँ से आता है। और यहाँ तक कि मैं खड़ा हो जाता था, मैं कपड़े गीले करके रखता था और आंख पे बार बार रखता था, जाके आंख में पानी मार के आता था, फिर बैठता था, फिर तुरंत 2 मिनट में ही नींद आने लगता था, खड़े हो जाता था जब करते समय, तो खड़े खड़े ही लगता था गिर जाऊंगा सोते हुए, है ना। तो पर मैं उस समय स्ट्रगल करता था, संघर्ष करता था, ये नहीं कि ऐसा नींद आ रहा है चलो जप साइड करो जाके सो जाते हैं, बढ़िया बढ़िया सो लेते हैं 2-3 घंटे फिर जप करेंगे, नहीं, स्ट्रगल 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 करने से, अभ्यास करने से धीरे धीरे नींद भाग जाएगा। तो उसके कारण काफी इम्प्रूवमेंट हुआ और फिर धीरे धीरे नींद कम हो गया। दैट इज जपाई स्पेशली वीकेंड बाई मटेरियल डिजायर्स। भौतिक भोग और वासना में ज्यादा लिप्त रहेंगे तो हमारा जप जो है वो, उसका क्वालिटी खराब हो जाता है। इसलिए श्री रघुनाथ दास गोस्वामी जी को श्री चैतन्य महाप्रभु जी ने उपदेश दिया, क्या दिया? भाल ना खाई बे, भाल ना पोरी बे, ग्राम्य वार्ता ना कही बे, ग्राम्य वार्ता ना सुनी बे, अमानी मान दहबे, सदा कृष्ण नाम लबे, ब्रजे राधा कृष्ण सेवा पान से करीबे, भालना खाई बे, बहुत अच्छा अच्छा खाना पकवान है ना। कई लोग तो एकादशी में भी 56 भोग बनाते हैं ठीक है, अच्छी बात है मतलब, लेकिन धीरे धीरे हमें प्रयास करना चाहिए कि इंद्रिय तृप्ति की इच्छा को कम किया जाए, है ना, और जप किया जाए। और बहुत ज्यादा इंद्रिय तृप्ति की इच्छा को बढ़ाएंगे तो फिर उससे हमारा जप की क्वालिटी कम हो जाएगा। तो भाल ना खाई बे, भाल ना पोरी बे, पोरी बे मतलब बढ़िया बढ़िया फैंसी ड्रेस पहनना, खूब बढ़िया बढ़िया फैंसी ड्रेस, तो उससे भी हमारा देहात्म बुद्धि बढ़ता है। क्या बढ़ता है? देह, अपने को हम शरीर मानते हैं, शरीर को सजाने में हम अपना सारा समय व्यर्थ कर देते हैं। तो प्रभुपाद जी ने क्या कहा? हम शरीर है ही नहीं, निसी निद्रा बसे गेलो रे राती, दिवस शरीर साजी,
दिन किस में बीत गया, रात निशि, निशि मतलब रात्रि, किस में बीत जाता है, निद्रा बस है गेलो, निद्रा के बस में आकर रात बीत गई, और दिन किस में बीत जाता है, शरीर का साज सजाने में, शरीर को देखभाल करने में, भजन कब करेंगे, है कि नहीं, भजन कब करेंगे, जीवन या नित्य जान हो सार, काहे नाना विध विपदवा, जीवन अनित्य है, कभी भी चला जाएगा, है ये सार है, ये सार संदेश है ना, सारांश क्या कि जीवन अनित्य है, इसको समझ लो ना, इस और उस अनित्य जीवन के बीच में एक तो छोटा है, और उतने छोटे समय जीवन के दौरान ही क्या है, ताहे नाना विध विपद भार, नाना प्रकार की विपत्तियों से भरा हुआ जीवन है, क्या करना है, नामाश्रयो कोरि जतने तुमी आसो आपन काजे, नाम का आश्रय लिया, नाम का आश्रय, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम, इन्हें कि पूरा दिन पैसा कमाना है, पैसा का नए नए ड्रेस पहनना है। एक व्यक्ति मेरे पूछ रहा था, आप रोज एक ही रंग वाला ड्रेस पहनते, आपको बोरिंग नहीं लगता? कोई फैशन नहीं है, कोई फैंसी ड्रेस नहीं है आपका, हम शरीर है ही नहीं, तो उसको हम डेकोरेट करके अपना टाइम क्यों बर्बाद करें, इतना तो बुद्धिमान लोग भाल ना खाई वे, भाल ना पोरी वे, ग्राम्य वार्त ना कोई वे, प्रजल्प नहीं करना चाहिए, प्रजल्प का मतलब क्या, कृष्ण के अलावा और किसी और चीज की चर्चा करना, ये प्रजल्प है, भक्ति के अतिरिक्त और कोई भी चर्चा करना क्या है, प्रजल्प है ना, तो मैंने देखा है कि भक्त लोग प्रजल्प बहुत करते हैं, जहां भी दो भक्त मिले क्या करना चाहिए हमको, तुरंत प्रभुपाद जी किताब निकाल के बैठ के एक पैराग्राफ आप पढ़ो, दूसरा पैराग्राफ हम पढ़ें, तुरंत कृष्ण की कथा शुरू हो जानी चाहिए, हम लोग क्या शुरू कर, प्रभु आप जानते हैं, अरे प्रभु, अरे वो प्रभु जी ना, उनको उनका उनके साथ झगड़ा हो गया, और जब झगड़ा हुआ ना, तो वो जो है ना, वो तो वो उसका कारण ये था कि उसने ऐसे कर दिया, और उसके इसके पीछे ये हो गया, और उसके पीछे वो हो गया, और इसी समय पूरा मंदिर आएंगे तो यही सब चर्चा, पॉलिटिक्स, राजनीति, निंदा, एक दूसरे की निंदा, ये सबसे बचना चाहिए, अरे ग्राम में कथा, इसको क्या कहते हैं, ग्राम में कथा, किसी के अंदर दोष भी है तो हमें उसकी चर्चा क्यों करनी, हम अपने भक्ति को आगे बढ़ाने में ध्यान देना चाहिए, जब हम इन सब चीजों का ही बता रहे हैं कि जपा इज स्पेशली वीकेंड बाई रिलीजन, और ग्रामी वार्ता ना कही बे ना सुनी बे, ना बोलना है एक दूसरे की निंदा, ना प्रजप करना है और ना सुनना है, कोई दूसरा कर रहा है, कोई इनवाइट कर रहा है, प्लीज कम ज्वाइन आवर व्हाट्सएप ग्रुप, अच्छा क्या करेंगे उस पे, प्रजल्प कर किया जाएगा उस पे, प्रभुपाद पता है इस बार किसकी सरकार बनने वाली है, 400 के पार तो जाएगा मोदी, मोदी 400 के पार जाएगा, ठीक है अच्छी बात है, लेकिन भक्तों के बीच में सबको चर्चा क्यों करते हैं, थोड़ा बहुत करना चाहिए, लेकिन बहुत ज्यादा उस पर समय नहीं देना चाहिए ना, उससे बढ़िया है कि हम जप कर लें, एक माला का, दो माला का, जैसे ही थोड़ा समय मिलता है 5 मिनट का कर लेना चाहिए, एक माला जप कर लेना चाहिए, आजकल लोग क्या करते हैं, जैसे ही 10 मिनट टाइम मिलता है तुरंत यूट्यूब पे चले जाएंगे, तुरंत व्हाट्सएप पे चले जाते हैं, क्या करने के लिए, चैट करने के लिए, चैट,
चैंट नहीं, चैट। तो जपा इज स्पेशली वीकेंड बाय मेडल। ए लॉट कैन बी अकम्प्लिश सिंपली बाय अप्रोचिंग जपा सिंसियरली। कीप ए डेली प्रोग्रेस रिपोर्ट। रोज आप चेक करो आज मेरा जप का क्वालिटी कैसा था। 10 नंबर में कितना नंबर आज दूंगा मैं अपने जप को। 3, 4, 5, 6। वर्क डेली ऑन योर जपा एंड यू विल सी ए डिफरेंस। तो ये हो गया हमारा असावधानी पूर्वक जप करना, इस अपराध से कैसे बचें, कैसे हम सावधानी पूर्वक जप करें, उसकी चर्चा हमने कंप्लीट किया। अब हम लोग चर्चा करेंगे, नाम अपराध खत्म हो गए सारे 10 नाम अपराध। अब हम चर्चा करेंगे नाम आभास। 3 स्टेजेज में चैंटिंग होता है। पहला नाम अपराध, फिर नाम आभास, फिर शुद्ध नाम। 3 अवस्थाएं जब है ना। तो जब नाम जप भी कर रहे हैं और 10 अपराध भी कर रहे हैं तो क्या हो गया, नाम अपराध। और नाम आभास स्टेज क्या है कि जप कर रहे हैं और अपराधों से बचने का पूरा प्रयास कर रहे हैं, तो उस अवस्था को बोलते हैं नाम आभास। और जब सारे अपराध से बच जा रहे हैं, कोई अपराध नहीं हो रहा, अपराध मुक्त होकर जब हम नाम जप करते हैं उसको कहते हैं शुद्ध नाम। तो हम लोग नामाभास की चर्चा करेंगे। क्या करें इस नामाभास, क्या है आभास शब्द, क्या है कि व्हेन द सन ऑफ होली नेम इज कवर्ड बाय क्लाउड्स ऑफ इग्नोरेंस एंड अनर्थ, ओनली सम और नो स्पिरिचुअल एक्सटेसी कम्स व्हाइल चैंटिंग। कि जैसे सूर्य जो होता है, अगर सूर्य उदय भी है तो अगर वो बालक बादल से ढक जाए तो हम सूर्य को नहीं देख पाते हैं। हालांकि थोड़ी उजाला तो रहता है, उजाला तो रहता है, लेकिन खुल के जो सूर्य का जो प्रकाश है, सूर्य की किरणें जो कहते हैं ना, आज आज एकदम आकाश साफ है और देखिए धूप कितनी तेज है ना। लेकिन अगर बादल से ढका हुआ रहता है तो धूप नहीं दिख पाती है, लेकिन फिर भी थोड़ा प्रकाश रहता है, लेकिन वो इतना नहीं रहता है कि धूप आ जाए। क्यों? क्योंकि बादल से ढका हुआ है। उसी तरह से जब भगवान का नाम, पवित्र नाम जो है वो अज्ञानता और अनर्थों से ढका रहता है, तो आध्यात्मिक आनंद का अनुभव नहीं होता है जब करते समय। दो चीज बताया मैंने, एक तो अविद्या और दूसरा इग्नोरेंस एंड अनर्थ। अविद्या और अनर्थ। अनर्थ क्या है? अर्थ मीन्स वैल्यू, अर्थ मीन्स वैल्यू एंड द प्रीफिक्स अन मीन्स विदाउट। अन अर्थ, कि जिसका कोई आवश्यकता नहीं है। अनर्थ का अर्थ क्या है? जिसकी कोई आवश्यकता नहीं है, उसके बिना भी जीवन चल जाएगा, फिर भी हम उस चीज में अपना समय बर्बाद करते हैं। जैसे उदाहरण के लिए सिगरेट, मेरा उम्र हो गया 43 साल, मैंने आज तक सिगरेट नहीं पिया। आपको लग रहा है कि मेरे जीवन में कोई कमी है, मेरे स्वास्थ्य में आपको लग रहा है कि सिगरेट नहीं पीने से मेरा स्वास्थ्य जो है वो कमजोर हो गया? नहीं, बल्कि सिगरेट पीने से स्वास्थ्य खराब हो जाएगा। तो फिर भी लोग देखिए पैसा दे देकर सिगरेट पीते हैं, कि इसको कहते हैं अनर्थ। जिसकी जरूरत नहीं है उस चीज को खरीदने के लिए हम समय और धन दोनों लगाते हैं, उसको कहते हैं अनर्थ। उसी तरह से हमारे हृदय में कुछ ऐसे विकार हैं जिसका कोई योगदान नहीं है हमारे भक्ति में, उसको कहते हैं अनर्थ। तो मटेरियल एसेट्स यील्ड नो बेनिफिट एट ऑल फॉर द लिविंग एंटिटी, बट एज सून एज ही बिकम्स इन्फ्लुएंस्ड बाय द एक्सटर्नल एक्सटर्नल एनर्जी, ही अनफॉर्चुनेटली कंसीडर्स द डिफरेंट अनर्थाज एज वैल्यूएबल एंड बिकम्स फुली इंटेंगल्ड बाय देम। तो कोई व्यक्ति सोचता है कि मेरे को बहुत 50 करोड़ रुपए मिल जाए तो मैं
बहुत भाग्यशाली व्यक्ति हो जाऊंगा। धन की आवश्यकता है इसमें कोई संदेह नहीं है, विशेष रूप से अगर हम गृहस्थ जीवन में हैं तो धन की बहुत आवश्यकता है ना? लेकिन इसका मतलब ये नहीं है, सोचना चाहिए अगर हमारे पास बहुत धन हो जाएगा तो हम लोग खुश सुखी हो जाएंगे, ये भी सत्य नहीं है ना? ये भी सत्य नहीं है, बल्कि उल्टा हो सकता है कि बहुत धन आ जाए, हो सकता है हम भगवान को भूल जाए, तो अब क्या जरूरत है भगवान का? इतना पैसा है, तबीयत खराब होगा डॉक्टर के पास चले जाएंगे, हैं मूड खराब होगा तो सिनेमा देखने चले जाएंगे, बहुत पैसा आ गया हमारे पास, भगवान के पास जाने की क्या जरूरत है? कई बार जिसके पास धन आ जाता है, ऐश्वर्य आ जाता है बहुत अधिक, वो भगवान को भूल जाता है, खतरा ज्यादा रहता है उसमें, है कि नहीं? वही चीज बता रहे हैं, इसलिए उसका ज्यादा लाभ नहीं है। भौतिक चीजों को प्राप्त कर इकट्ठा करने से भक्ति में आगे नहीं बढ़ेंगे। तो चार प्रकार के अनर्थ होते हैं। पहला अनर्थ है हृदय दौर्बल्य, हृदय दौर्बल्य। दूसरा अनर्थ है अपराध, तीसरा अनर्थ है असत तृष्णा, और चौथा अनर्थ है तत्व विभ्रम। एक बार फिर से आप लोग नोट कर लीजिए, चार प्रकार के अनर्थ। पहला अनर्थ क्या है? हृदय दौर्बल्य, हृदय की दुर्बलता। उसका क्या लक्षण है? दूसरे के अंदर दोष देखना, दूसरे की से ईर्ष्या करना, है ना, मेरी प्रतिष्ठा हो, लोग मेरे को महान व्यक्ति समझें, इसको होता है डिजायर फॉर रिकॉग्निशन। और भौतिक चीजों से आसक्ति, ये सब क्या है? इस क्यों क्यों होता है? हृदय दौर्बल्यम के कारण होता है ये सब। तो ये एक अनर्थ, पहला अनर्थ। दूसरा अनर्थ क्या? ऑफेंस, अपराध से जो होता है, नाम अपराध से। और इसके प्रति अपराध, चार प्रकार के अपराध होते हैं। एक होता है नाम अपराध, एक होता है विग्रह के प्रति अपराध, सेवा अपराध जिसको बोलते हैं, तीसरा है वैष्णव अपराध, और चौथा है जीव अपराध। तो नाम अपराध में कितने? 10 नाम अपराध हैं। सेवा अपराध, भगवान के विग्रह की सेवा करते समय विग्रह की सेवा करने के जो रूल रेगुलेशन है उसको हम लोग फॉलो नहीं करते तो हो गया क्या? सेवा अपराध। तीसरा वैष्णव अपराध क्या होता है? किसी वैष्णव के प्रति क्या कर दिया हमने, ऐसे आचरण कर दिए जिससे वो वैष्णव जो है वो क्या हो गया? हर्ट हो गया, दुखी हो गया, हो गया वैष्णव अपराध। और चौथा है जीव अपराध। जीव अपराध क्या होता है? किसी भी जीव को हमें बेवजह कष्ट नहीं देना चाहिए अपने सुख के लिए, ना किसी भी जीव को, चाहे वो चींटी ही क्यों ना हो, है ना? तो ये चार प्रकार के अपराध होते हैं, ये भी अनर्थ हैं। और असत तृष्णा, असत तृष्णा मतलब क्या? भौतिक चीजों के प्रति लालसा, भौतिक चीज इकट्ठा, ना? तो पहले इसमें चार चीजें, डिजायर फॉर डिलाइटफुल सेंस ऑब्जेक्ट्स, डिजायर फॉर सेंस एंजॉयमेंट एज अवेलेबल ऑन द हेवनली प्लैनेट, डिजायर टू ऑब्टेन मिस्टिक पावर्स एंड डिजायर टू बी लिबरेटेड बाई मर्जिंग इन टू द पर्सनल ब्रह्म। तो इसमें चार प्रकार के असत तृष्णा बताई गई है। एक है भौतिक संसार के भोग, इंद्रिय विषय को प्राप्त करना, जैसे जैसे जीव है, जीव का विषय क्या है? खूब टेस्टी टेस्टी खाना, और उसके लिए हम लोग कई बार, देखो एक जीव हमारा कितना है, 1.5 इंच का जीव है, और हमको खींच कर कहाँ ले जाता है? 25 किलोमीटर रेस्टोरेंट खींच के ले जाएगा खिला खाना खाने के लिए, है 1.5 इंच का, खींच के ले जाता है 25 किलोमीटर। इस फेमस रेस्टोरेंट में ये आइटम बहुत बढ़िया मिलता है, 25 किलोमीटर चलो ड्राइव करके जाएंगे, खाएंगे, मजा लेंगे।
उसी तरह से आंखें हैं, कान हैं, आंखें हैं, चलो सिनेमा देखने चलते हैं। तो ये असत तृष्णा हो गया, भौतिक भोग। दूसरा है स्वर्ग में जाने की इच्छा, तो स्वर्गवास हो गया, स्वर्गवासी हो गए, स्वर्गवासी, तो स्वर्ग का आनंद लेना चाहते हैं। तीसरा है सिद्धि, है ना, चमत्कारी बाबा। कई लोग बोलते हैं प्रभु जी हम तो 20 साल से कर रहे हैं, आज तक तो एक भी चमत्कार नहीं दिखा पाए, इसी बात का मलाल रह गया। कुछ ऐसा हमारे पास शक्ति उक्ति नहीं आएगा क्या? कितना माला करने से शक्ति आ जाए कि मैं फूंक दूं तो सामने वाले व्यक्ति उड़ जाए, फूंक मारने से मेरे, ऐसी शक्ति जप करने से आएगी क्या? तो इसको क्या कहते हैं, चमत्कारी बाबा बनने की इच्छा, सिद्धि लालसा, सिद्धि ना? आठ प्रकार की सिद्धि होती है ना, अणिमा, लघिमा, महिमा, इसिता, वसिता, कामावसायिता, प्रकाम्या, है ना, ये 8 प्रकार की सिद्धि, इसको अष्ट सिद्धि बोलते हैं, अष्ट सिद्धि। ये जब योगी चाहेगा तो पहाड़ से भी बड़ा हो जाएगा, और नहीं तो मच्छर से भी छोटा, जैसे हनुमान जी के अंदर था, कौन, अणिमा और लघिमा और महिमा, तीनों शक्ति थी उनके अंदर। तो सुरसा जब आई मुंह फैलाकर, तो कहते सत योजन 64 योजन मुंह फैला दिया सुरसा ने, 64 योजन मतलब कितना, 500 मील, 500 मील का मुंह फैला दिया सुरसा ने, तो हनुमान जी 100 मील का शरीर फैला दिए, 800 मील का शरीर बना दिया हनुमान जी, फैल गए इतना, क्योंकि अंदर बहुत सिद्धि थी। आकाश में उड़ के पहाड़ लेके उड़ रहे थे, कितनी शक्ति थी उनके अंदर हनुमान जी। तो हम लोग बोलते हैं हमारे अंदर भी कोई पावर आएगा क्या ऐसे? तो एक भक्त जो है सब नई इच्छा करता है, और फिर मुक्ति की लालसा, सायुज मुक्ति, भगवान बनने की इच्छा, तो मैं भी भगवान बन जाऊं, भगवान में मिल जाऊंगा तो भगवान बन जाऊंगा, जो मायावादी। तो ये क्या है, अनर्थ है, असत तृष्णा। तो फिर तत्व विभ्रम, तत्व विभ्रम मतलब फिलॉसफी में डाउट होना, क्लियर कट फिलॉसफी नहीं होना, मैं कौन हूँ, मैं शरीर नहीं हूँ, मतलब मैं ब्रह्मचारी नहीं हूँ, मैं गृहस्थ नहीं हूँ, मैं वानप्रस्थ नहीं हूँ, मैं कौन हूँ, कृष्ण के दासों का दासों का दास हूँ। कई तो लोग अपने को शरीर मानते हैं, कोई व्यक्ति होता है मैं तो ब्राह्मण घर से हूँ, मैं तो ये हूँ, तो मैं तो वो हूँ, मैं ये हूँ, फिलोसॉफिकल डाउट। हम क्या है, केवल हमारा एक ही आइडेंटिटी, हम दासों के दास। भगवान कौन है, कई लोग बोलते साईं बाबा की पूजा करो, मैं कई भक्तों को देखा है इस्कॉन में जुड़े हुए पूजा करते साईं बाबा का, वो आज तक क्लियर ही नहीं हुआ कि कृष्ण के अलावा और कोई भगवान नहीं। बाकी एक अले ईश्वर कृष्ण आर सब भेद्य, जय इच्छे न चाहे तय इच्छे करे नित्य, बाकी सब क्या है, भेद्य है। तो ये भी अनर्थ है, फिलॉसफी क्लियर नहीं हुआ, इसलिए सिद्धांत क्लियर होना चाहिए भक्तों का। तो 3 प्रकार के दिव्य ज्ञान होता है, संबंध ज्ञान, अभिधेय ज्ञान और प्रयोजन ज्ञान। तो संबंध ज्ञान में क्या बताया जाता है, भगवान कौन है, जीव कौन है, प्रकृति क्या है, इन तीनों का ज्ञान। अभिधेय, अभिधेय मतलब नियम का ज्ञान, कि कैसे भक्ति करना चाहिए, जब जैसे अभी हम बता रहे हैं आप कैसे जप करना चाहिए, किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, ये भी ज्ञान है, लेकिन किससे संबंधित है, भक्ति के संबंधित है। और फिर ये सब करने से क्या प्राप्त होगा, कृष्ण प्रेम, जो है प्रयोजन तत्व। तो बता रहे हैं कि
अगर हम नाम भास मतलब इन अनर्थों से, और इन जो हमने आपको दो चीजें बताए, एक अनर्थ और एक अज्ञान, ये दोनों से जब हमारा हम ढके रहते हैं तब हम जप करते हैं तो, लेकिन जब इन सब से दोनों से मुक्त हो जाएंगे, मतलब अनर्थों से चार प्रकार के जो अनर्थ बताए इससे ऊपर उठ जाएंगे, और जो चार प्रकार की तीन प्रकार का ज्ञान बताया हमने, संबंध ज्ञान, अविधेय ज्ञान और प्रयोजन, ये तीनों प्रकार का ज्ञान हमको अच्छे से समझ में आ जाएगा तो क्या होगा, फिर हम लोग नामाभास जप करना शुरू कर देंगे। ये दो चीज बहुत जरूरी है, अनर्थ से मुक्ति और अज्ञान से मुक्ति, ये दोनों चीज से जब हम ऊपर ये दोनों चीज जब हमारे अंदर दोनों से मुक्त हो जाएगा, अनर्थ और अज्ञान से, तब जब जब करेंगे तो वो हो जाएगा नामाभास। और नामाभास जब करने से क्या फायदा होगा, सात फायदे होंगे आप, मतलब क्या, आपकी चेत बहुत बढ़ेगा, सारे पाप के जो रिएक्शन होते हैं, पाप के फल वो नष्ट हो जाएंगे, और फिर कलयुग का जो क्लेश है, कष्ट है, उससे छुटकारा मिलेगा, आपके हृदय से भय दूर हो जाएगा और आपके हृदय में शांति का आभास होगा। और पांचवा कि आपको भूत प्रेत आदि जो आत्मा है और ग्रहों का जो चक्र प्रभाव है, जिसके लिए लोग नवग्रह की पूजा करते हैं, तांत्रिकों के पास जाते हैं, भूत प्रेत आपको परेशान नहीं कर पाएंगे, अगर नामाभास स्टेज पे पहुंच जाएंगे तब भूत प्रेत ये सब बाधा, प्रेत बाधा, ग्रह बाधा, ये सब आप कई बार देखो प्रभु जी, हम तो हरे कृष्णा भी करते हैं फिर भी भूत प्रेत का प्रभाव तो हो ही जाता है कई बार, भक्तों पे ग्रहों का प्रभाव पड़ता है, क्यों, क्योंकि हम लोग कौन सा नाम कर रहे हैं, नाम अपराध स्टेज में नाम जप कर रहे हैं। जब हम अनर्थ और अज्ञान दोनों से ऊपर उठ के जब शुद्ध जब नामाभास स्टेज पे जप करने लगेंगे, तब जो है इन सब चीजों का प्रभाव नहीं पड़ेगा। और फिर छठा क्या है, अटेनिंग द फोर गोल्स ऑफ लाइफ, चार पुरुषार्थ, है ना, चार पुरुषार्थ क्या है, धर्म अर्थ काम और मोक्ष वो प्राप्त होगा हमको, और फिर आध्यात्मिक आनंद मिलेगा। ये सात प्रकार के लाभ मिलते हैं उस व्यक्ति को जो क्या करता है, नामाभास की अवस्था तक पहुंच जाएगा। और नामाभास की अवस्था को पहुंचने के लिए हमको दो चीजों को ध्यान में रखना पड़ेगा, क्या, अनर्थ और अज्ञान। तो चार प्रकार के अनर्थ से बचना है और तीन प्रकार के ज्ञान को विकसित करना है हमको, ठीक है, तब जाके हम लोग नामाभास जप कर पाएंगे और फिर हमको ये सब लाभ मिलेगा। और फिर नामाभास से भी आगे जाना है ना, नामाभास से आगे जाना क्या कर रहे हैं कि एज लॉन्ग एज वन इज चैंटिंग नामाभास ही कैन इवन अटेन लिबरेशन, बट प्रेम और लव ऑफ गॉड रिमेन्स अनअटेनेबल। नामाभास से आपको मोक्ष तो मिल सकता है लेकिन कृष्ण प्रेम नहीं मिलेगा। तो अज्ञानता और अनर्थ जो है उसे और ऊपर उठना पड़ेगा, इस स्टेज पे जाना है कि हमें क्या मिल सके, कृष्ण प्रेम मिल सके। तो उसके लिए हमें क्या करना है, ध्यान पूर्वक जप का अभ्यास करना है और अपराधों से मुक्त होने के लिए सबसे बढ़िया तरीका क्या है, पंच तत्व मंत्र जप करना। इसलिए हरे कृष्ण महामंत्र जप करने से पहले पंच तत्व को जप करते हैं, नाम जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवास आदि गौर भक्त वृंद, इस मंत्र का जप करने से हमें अपराध से मुक्त होने में आसानी होती है। कुछ टिप्स दिया जा रहा है जिससे आप जल्दी से नामाभास स्टेज को प्राप्त कर सकते हो और शुद्ध नाम के स्टेज को प्राप्त कर सकते हो। तो पहला क्या बता रहे, चैंटिंग एट ऑल टाइम्स, ज्यादा से ज्यादा जप करने का हर परिस्थिति में अभ्यास कीजिए। दूसरा, चैंटिंग इन द मॉर्निंग, सुबह सुबह जप कीजिए, द टाइम शॉर्टली बिफोर सनराइज कॉल्ड द ब्रह्म मुहूर्त इज द बेस्ट टाइम फॉर चैंटिंग। चैंटिंग के लिए सबसे बेस्ट, सबसे अच्छा, उत्तम समय है ब्रह्म मुहूर्त से का समय, जो कि सूर्योदय से पहले होता है, 4:10 से लेकर 6:10 तक जो समय होता है उसको क्या कहते हैं,
उसको सबसे अच्छा समय बताया गया है जप करने के लिए। चैंटिंग एटलीस्ट 16, कम से कम 16 वाला जप कीजिए। चैंटिंग लाउडली इनफ टू हियर, बिल्कुल मन में जप मत कीजिए, इतना जप जोर से कीजिए कम से कम आपको सुनाई दे। और चैंटिंग शुड बी एकम्पनीड बाई रेगुलेटिव प्रिंसिपल, चार नियम का पालन भी करना चाहिए, है ना, जप करते के साथ साथ। और चैंटिंग इन फ्रंट ऑफ तुलसी, तुलसी महारानी के सामने जप कीजिए। तो इन सिद्धांत बातों का ध्यान रख के जप करेंगे तो बहुत जल्दी जप का लाभ मिलेगा, है ना। और जब हम जप करेंगे तो हमारे हमारे हृदय में कुछ अनर्थ प्रकट होंगे, जैसे निषिद्धाचार, है ना। निषिद्धाचार क्या है? चार नियम तोड़ना, है ना, मांसाहार, अवैध स्त्री पुरुष संबंध, जुआ खेलना, ये सब से हमें बचना है। कुटी नाती मतलब पॉलिटिक्स, पॉलिटिक्स से बचना है। किसी जीव की हत्या नहीं करनी है या किसी से ईर्ष्या नहीं करना, और पूजा प्रतिष्ठा के लाभ से बचना है ना। तो ये सब से बचते हुए जप करने से हम जल्दी हम शुद्ध प्रेम, कृष्ण प्रेम प्राप्त कर पाएंगे। और बिकमिंग ए सर्वेंट ऑफ द होली नेम विद द टंग बाई चैंटिंग एंड बाई प्रोपेगेटिंग इट ऑल ओवर द वर्ल्ड। टू रिमेंबर द होली नेम एट द टाइम ऑफ डेथ, यू मस्ट प्रैक्टिस टू कॉल द होली नेम ऑल द टाइम। अगर हम चाहते हैं कि मरते समय भगवान का नाम हम हमें याद आए, तो हमको हमेशा प्रयास अभ्यास करना है कि हर समय हर क्षण हम भगवान का नाम लें। टेक्निक ऑफ चैंटिंग, तो तीन टेक्निक बताया गया। पहला कि जप माला और बीट बैग के साथ जप कीजिए, कई लोग काउंटर यूज करने लगते हैं, जप माला एंड बीट बैग। दूसरा बॉडीली पोस्चर, प्लेस एंड टाइम, और तीसरा प्रॉपर प्रोनाउंसिएशन, सीधा बैठकर जप करना चाहिए। और अगर जप करने अच्छा रहता है कि हम मंदिर में भक्तों के बीच में बैठकर, यानी कि बेड पे, कई बार लोग बेड पे ही बैठ, ऑफकोर्स कई बार इमरजेंसी होता है, हेल्थ खराब होता है, कुछ मजबूरी होती है, तो उस सिचुएशन में आप कर सकते हो, लेकिन ज्यादातर प्रयास करना चाहिए कि जहाँ पे सो रहे हैं, जहाँ पे खा रहे हैं, वहाँ पे जप ना करें। तो कहाँ करना चाहिए? उस स्थान पे बैठ कीजिए जहाँ पे आप पूजा करते हैं ना, जहाँ का माहौल थोड़ा पवित्र हो, जहाँ पे आवाजें ना आए, शांति का माहौल हो, तो उस जगह पे जप करना चाहिए, है ना। और सुबह जप करना चाहिए, टाइम सुबह मॉर्निंग में जप करना चाहिए। और प्रॉपर प्रोनाउंसिएशन, ये मैंने आपको बता दिया, इन चीज़ों का ध्यान रखना। और ये जो है इसका ध्यान रखिए, ये भी मैंने आज बताया, ऋणादपि सुनि चेन्तरोरपि सहि सुना, अमानि न मानदेन कीर्तनि सदा हरि। तो इसका ध्यान रखने से क्या होगा, हम लोग भक्ति में आगे बढ़ पाएंगे। इसको विनम्रता के ऊपर थोड़ा और चर्चा करूँ मैं अगली बार, तो आज का प्रवचन यहीं पे विराम देंगे, और किसी कोई प्रश्न हो तो आप पूछ सकते हैं। हरे कृष्ण। तो ये जो हमारा सीरीज चल रहा है, ये इस सीरीज में एक प्रवचन और होगा, कुल 195 स्लाइड्स था इसमें। तो जप के लगभग सारे पहलुओं पे हमने विचार किया है, और आप लोग अगर इन बिंदुओं को अगर अपने जप में लाने का प्रयास करेंगे तो आपका जप अच्छा होगा, ये उम्मीद किया जाता है। हरे कृष्ण। यस पूछिए पूछिए पंकज प्रभु जी, पंकज। हरे हरे कृष्ण प्रभु जी, धन्यवाद प्रणाम। हाँ प्रभु जी, एक दोस्त हैं जो शिव देवता पर भरोसा करते हैं बचपन से ही, और वो डेली मंदिर दर्शन करने जाते हैं। वो एक दिन भी दर्शन नहीं करते तो उनका दिन अच्छा नहीं जाता। बहुत बार नहीं गए तो मतलब दिन अच्छा नहीं जाता, तो किसी से मतलब अफेक्ट हो रहे हैं। नहीं, उनको बोलिए हरि नाम करें।
कर रहे हैं प्रभु जी, लेकिन तो भी उससे नहीं छूट पा रहे हैं। छोड़ना चाहें लेकिन नहीं जाते तो मन ही नहीं खराब लगने लगता। नहीं जाते रहे, वहां जाके बैठ के जप करें, क्या दिक्कत? शिव जी के मंदिर में बैठ के हरि नाम जप करें, क्या दिक्कत? शिव जी भी खुश हो जाएंगे, वो भी तो जप करते रहते हैं हमेशा। शिव जी, उनको लगे कोई भक्त आ गया, साथ में बैठ के मीट करेंगे। इस पर भी एक और प्रश्न पर प्रभु जी कृष्ण, जल्दी पूछिए। हम कृष्ण जी को पूजा करने के लिए राधा जी से परमिशन लेते हैं। परमिशन तो आपको मिला हुआ है, लेने की क्या जरूरत है? तो कृष्ण जी तो चाहें कि राधा जी का पूजा हो। दोनों का कीजिए। मंत्रा में हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, कृष्ण जी को पहले कर देंगे तब राधा जी खुश होंगी ना। कृष्ण हरे कृष्ण हरे। आप बस जप करिए, इतना ज्यादा कॉम्प्लिकेट मत कीजिए चीजों को। कौन पहले कौन बाद में, इतना मत सोचिए, ठीक है? हो गए प्रभु हम लोग बहुत ज्यादा टेक्निकल हो जाते हैं। ये समस्या, हम लोगों को ध्यान पूर्वक जप करना चाहिए। कौन पहले बाद में, क्या लेना देना है? भगवान का नाम तो ऐसे ही होता है ना, बाकी सनातन धर्म में पहले राधा फिर कृष्ण, सीता राम, हमेशा कोई ये थोड़े राम सीता कृष्ण राधा ऐसे नहीं बोलते हैं हम लोग। हमेशा क्या बोलते हैं? राधा कृष्ण सीता राम लक्ष्मी नारायण। तो हम लोग के धर्म में स्त्रियों को पहले रखा जाता है, ठीक है ना? इस तरह से सनातन धर्म में देवियां जो हैं उनका पहला स्थान रखता है ना? तो लेकिन हम ये समझे, इसका मतलब ये नहीं है कि राधा जो है वो कृष्ण से ज्यादा महान है, ऐसा नहीं सोचना चाहिए, है ना? तो ये भक्ति का भाव है, ये इसको सोचना चाहिए ना, कि भगवान अपने भक्तों को, अब कृष्ण जो है सुदामा के चरण धो रहे हैं, इसका मतलब थोड़े सुदामा भगवान से बड़े हो गए। वो तो प्रेम का, भगवान का प्रेम इतना है अपने भक्तों के लिए, और भक्तों का प्रेम इतना बड़ा है अपने भगवान के लिए, कि भक्त और भगवान के बीच की दूरी मिट जाती है। वो प्रेम महान, न राधा मान न कृष्ण, दोनों का प्रेम इतना प्रबल है, इतना महान है, और उसी का नाम जप किया जा रहा है। इसको समझ, ठीक है? यस प्रभु जी। बस और एक प्रश्न था प्रभु जी, दो प्रश्न अलाउड है, बाकी लोग भी हैं। देखो नेक्स्ट। श्री शर्मा प्रभु जी आप अपना प्रश्न पूछ सकते हैं म्यूट करके। लावण्या डागर जी पूछ सकते हैं प्रश्न। भक्तों से निवेदन है कृपया रेडी रहे सीक्वेंस वाइज अपने प्रश्न के लिए। लावण्या डागर जी, हरे कृष्णा हरे प्रभु। हरे कृष्ण प्रभु जी, हरे कृष्णा प्रभु जी। बोलिए। प्रभु जी जब मंत्र जाप करते हैं हरे कृष्णा हरे राम तो इसमें ध्यान कौन से भगवान जी का रखना है? मतलब कृष्ण जी का, राम जी का, राधा जी का, सीता जी का। पहले मंत्र आप अच्छे से उच्चारण कीजिए, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, जी 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 राम हरे राम 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 हरे हरे। जी हाँ हरे राम हरे राम 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 हरे हरे। जी अच्छे से मंत्र, आप मंत्र का एक कार्ड रखिए अपने पास, है ना? उसको पढ़ते अच्छा हुए जप कीजिए, है अच्छा ना? अच्छा तो ध्यान किनका करना है ध्यान दोनों का कृष्ण नाम? का, कि दोनों एक ही हैं, कृष्ण और राम में कोई भेद नहीं। कृष्ण का करेंगे तो उसमें राम है, राम का करेंगे तो उसमें कृष्ण है, अलग अलग नहीं है, ठीक है? अच्छा मतलब ये किसी का भी कि कर सकते, किसी का भी ध्यान कर किस? सकते हैं। अच्छा
हरे कृष्णा। ठीक राम का भी कीजिए, कृष्ण का भी, कोई दिक्कत नहीं। ठीक, ठीक प्रभु जी, नाम जप जरूर कीजिए, ये बहुत इम्पोर्टेंट। ठीक प्रभु जी। लवन ने पूछिए। हाँ हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। प्रभु हाँ जी मेरे दो सवाल थे। प्रभु जी हाँ एक सवाल मेरा ये था कि क्या कहते हैं, मैंने मतलब बहुत जैसे राधा कृष्णा वाला सीरियल था, और ऐसे मतलब सीरियल में सुना है कि जो श्री कृष्ण और राम जी थे, वो दोनों के दोनों क्या कहते हैं विष्णु जी का अवतार थे। तो जब वो विष्णु जी का अवतार थे, तो मेरे अकॉर्डिंग परम भगवान तो विष्णु जी को होना चाहिए ना, श्री कृष्ण और राम जी को नहीं। सब एक ही हैं, ठीक है। मेरा दूसरा सवाल ये था कि मतलब एक घोर पापी से भी, जो संसार का सबसे बड़ा पापी है, या कि हम खुद, हम ऐसी क्या क्वालिटीज डेवलप करें और ऐसा क्या करें कि हम भी एक अच्छे वैष्णव बन सके। मतलब एक आप अच्छा वैष्णव होता कौन है? अच्छा वैष्णव वो है जिसको देखने से सब लोग वैष्णव बन जाते हैं, बेस्ट वैष्णव है। इसके दर्शन करने मात्र से लोग पवित्र हो जाएं, वो अच्छा इतना उत्तम है वो ना। पापी का भी उद्धार हो जाए जिसके दर्शन करने से, इतना सब उसके अंदर प्यूरिटी है, पवित्रता, वो अच्छा वैष्णव। और तब वो अच्छा, और ये आएगा कैसे? हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, इस महामंत्र का जप करने से हम ऐसा वैष्णव बनेंगे, ठीक है। नेक्स्ट, मोहित अग्रवाल प्रभु। हरे कृष्ण प्रभु जी, हाँ प्रभु जी हरे कृष्ण महामंत्र जो हम बोलते हैं, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, और एक हम बोलते हैं हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, जैसे कहते हैं कि भगवान भाव को देखते हैं, लेकिन तब भी दोनों में से सही उच्चारण कौन सा है, हरे कृष्ण या हरे कृष्णा? क्योंकि हरे कृष्ण। मैक्सिमम भक्त में देखता हूँ हरे कृष्णा बोलते हैं, तो हरे कृष्ण ही बेस्ट उच्चारण है। हरे कृष्ण, कृष्णा नहीं कृष्ण। जी ठीक पूछे, थैंक यू। नेक्स्ट, सपना। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम प्रभु जी। प्रभु जी मेरा बोलिए। प्रश्न सेवा से है। प्रभु जी जैसे हम सेवा करते हैं, तो कुछ भक्त होते हैं जो कमेंट करते हैं प्रभु जी, तो वो जो कमेंट करते हैं, उनका कमेंट सुन के हमारा जो सेवा का भाव होता है वो कम हो जाता है प्रभु जी, ऐसा क्यों होता है? और इसे भाव को हम कम नहीं कर पाए, तो इसके लिए हमें क्या करना चाहिए प्रभु जी? सहनशील बनिए, यस प्रभु जी। सह लीजिए हैं, और जो आपको कष्ट दे रहा है उसके लिए भगवान से प्रार्थना कीजिए। अगर आप चाहती हैं कृपा भगवान की, तो ठीक है ना। ओके सहन प्रभु करो, जी। सहनशीलता ही वैष्णवता है। थैंक यू प्रभु जी। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्ण। नंदिनी, हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। प्रभु जी मेरा प्रश्न ये था कि प्रभु जी हु इज सो मर्सीफुल, प्रभु जी नित्यानंद प्रभु या फिर प्रभु जी हरे कृष्ण प्रभु जी। प्रभु जी मेरा ये प्रश्न था कि प्रभु जी हु इज सो मर्सीफुल, प्रभु जी नित्यानंद महाप्रभु या फिर प्रभु जी कृष्ण भगवान या फिर प्रभु जी राधा रानी या फिर प्रभु जी डिवोटीज।
नित्यानंद प्रभु इज मोस्ट मर्सीफुल। प्रभु जी नेक्स्ट क्वेश्चन रोहन लाल। जी, हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा प्रभु यस जी, अब करते हैं प्रभु जी, हमें संसार के चिंतन प्रभु जी ज्यादा होता है, और जब हम सोचते हैं क्या करने बैठे हो क्या करना है, तो प्रभु जी अपने पे क्रोध भी आता है, मगर समान नहीं पाते प्रभु जी। तो प्रयास कीजिए, अभ्यास में प्रवचन अधिक सुनिए। ठीक है, जी प्रवचन सुनने से ज्ञान से ही वैराग्य आएगा और वैराग्य से ही मन शांत होगा। ठीक है, और जप कीजिए ध्यान से, जी जी जप बहुत जरूरी है। श्रीमद् भागवत पढ़िए, गीता पढ़िए और जप करिए भगवान नाम का। ओके, जी हरिराज। प्रभु जी, मेरा पूछना ये था कि जिस समय हम अशुद्ध होते हैं, यानी कि जैसे कि सुबह सो के उठे, तो क्या हम बिना नहाए धोए भी जप कर सकते हैं? हाँ, क्यों नहीं कर सकते, लेकिन अच्छा रहता है अगर नहा के करे, तो अगर नहीं नहा पाए तो बिना नहाए भी कर सकते। अच्छा, कभी कभी दिन में भी बाथरूम जाना पड़ जाता है तो कपड़े अशुद्ध हो जाते हैं, उस कंडीशन में भी जप किया जा सकता है क्या? जब किसी भी कंडीशन में किया जा सकता है, नाम नाम कारी बहुधा निज सरस्वती, ना? लेकिन पूरा लाभ उठाना है तो नियम का पालन करना चाहिए, तो और अच्छा रहेगा। ठीक है ना? धन्यवाद प्रभु जी, धन्यवाद। अर्पित शर्मा। हरे कृष्णा प्रभु जी, धन्यवाद प्रणाम प्रभु हाँ जी। ये था, आपने बताया था, नो इन द चैंटिंग नो स्ट्रगल, देन दैट इज ए बैड साइन। इसके बारे में थोड़ा सा क्लियर करना था प्रभु जी। नो स्ट्रगल का मतलब क्या हुआ प्रभु जी, चैंटिंग करते समय कि स्ट्रगल ना नहीं, हो? हाँ, अगर स्ट्रगल नहीं हो रहा है इसका मतलब, जैसे अब चैंटिंग में कोई ध्यान से सो गया, तो सो गया तो स्ट्रगल कहाँ है? तो ओके okay. वो बढ़िया जप नहीं है। कोई व्यक्ति स्ट्रगल कर रहा है ना, जी तो वो ज्यादा अच्छा है, संघर्ष ठीक कर रहा है भगवान को खुश करने का, तो भगवान ज्यादा प्रसन्न होते हैं। जी नहीं आसानी से कोई काम होता है तो उसमें भगवान ज्यादा प्रसन्न नहीं होता, मतलब जी कहने हाँ का कि थोड़ा मेहनत करना चाहिए जब, है ना? जी ओके, नेक्स्ट अनिल कुमार जी। हेलो प्रभु, हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम जी। हाँ बोलिए। मेरा प्रश्न ये है प्रभु जी कि मैं सुबह पर जप नहीं कर पाता, क्योंकि मेरा नाइट शिफ्ट चलता है पूरी। मैं अभी काम भी कर रहा हूँ, ऑफिस कहीं लॉग इन हूँ मैं, फिर यहाँ पे लॉग इन हूँ, तो मेरा 6:30 से सुबह का 3:30 बजे तक चलता है, तो सो के तकरीबन तकरीबन 10 साढ़े 10 बजे उठता हूँ प्रभु जी। उसके बाद मैं जप करता हूँ, और अभी तक तो 16 माला तक तो नहीं पहुंचा हूँ, कृपा अभी नहीं हुई है प्रभु का, तो इसमें क्या करना चाहिए प्रभु जी, क्या ये सही है टाइम है? अच्छा हाँ, तो 10:30 बजे आपका ब्रह्म मुहूर्त होगा, जी, क्योंकि सुबह मैं आपके उठ ही नहीं लिए, पाता। आपके लिए ब्रह्म मुहूर्त 10:30 बजे ही माना जाएगा। अच्छा, थैंक यू प्रभु जी, हरे कृष्णा। पुनीत। हरे कृष्ण प्रभु जी, आपको दंडवत प्रणाम, प्लीज स्वीकार कीजिएगा हरे कृष्ण, बोलिए। प्रभु जी। एक संशय था, हम लोग के इस्कॉन के संतों का एक लेक्चर सुन रहे थे, तो उसमें मैंने सुना था कि जप करते समय या हमें एक तो लाउडली बोलना चाहिए ताकि हम लोग बिल्कुल साफ साफ सुन सकें, वो तो करते हैं, लेकिन इसके अलावा एक और उन्होंने निर्देश दिया था कि अगर हो सके तो आप भगवान के विग्रह के
और धामों को प्रणाम करना चाहिए। तो जब जब मैं जप करता हूँ, शुरुआत करता हूँ, तो मैं बोलता रहता हूँ, वो तो कान में पड़ता रहता है, लेकिन मानसिक रूप से भगवान के विग्रह, जैसे द्वारकाधीश हम लोग गए या जगन्नाथ जी गए, तो भगवान के विग्रह ध्यान करके और प्रणाम करता हूँ रहता हूँ, या जैसे राधा कुंड वगैरह, श्याम कुंड, गोवर्धन, सबको प्रणाम करते हैं। तो इस तरह क्या ये ठीक है प्रभु जी? उचित ये पूछना था मन मन में प्रणाम करते हैं। हाँ जी, मानसिक रूप से। धन्यवाद हाँ ठीक है। पूरी, थैंक यू सो मच पूरी। ज्यादा फोकस सुनने पे रखिए, है ना? ओके अनिल जी। हरे कृष्ण प्रभु जी, डिनर पढ़ना प्रभु जी जी। जैसे मेरा क्वेश्चन था कि जैसे हम चैंटिंग कर रहे हैं या कुछ कर रहे हैं, तो हमें पता है कि माइंड में आजकल क्या हो रहा है मेरे साथ, की मतलब वो चीजें पता है कि ये गलत है, पर तभी भी इम्प्लीमेंट हो जा रही है, और बाद में मतलब उस टाइम भी चल रहा होता है कि ये गलत कर रहा है, गलत, जैसे मैं गलत कर रहा हूँ, तभी भी मतलब माइंड में कंट्रोल नहीं हो पाता, तो फॉल डाउन टाइप का हो जाता है। कोई बात नहीं, आप प्रयास करते रहिए, ठीक है, घबराइए मत, विचलित मत होइए। मतलब वही बाद में अफसोस भी होता है कि अच्छी बात है, मतलब अफसोस पता होना होने। चाहिए, अफसोस होना भी अच्छी बात है, और लेकिन फिर दोबारा प्रयास कीजिए, बार 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 प्रयास कीजिए, है ना, एक दिन भगवान आपके ऊपर कृपा करेंगे, तो प्रयास मत छोड़िए, ठीक है। ठीक है प्रभु जी, हरे कृष्ण। ओके और कोई मल्लिका, हरे कृष्ण प्रभु जी, जय माता राम। प्रभु हाँ जी, मेरा प्रश्न ये है कि आपने बताया कि हमें हमेशा सोचना चाहिए कि गुरु हमारे साथ ही हैं, तो उसका हाँ मतलब कैसे प्रैक्टिकल होगा, क्योंकि मैंने तो गुरु महाराज के साथ कभी इंटरेक्शन से बाबा, एक्शन से क्या इफेक्ट होगा, तो इसका प्रैक्टिकल कैसे होगा? प्रैक्टिकल यही है कि आप ये सोचो, मैं कुछ भी आप एक्शन कर रहे हो, तो आप ये सोचो कि गुरु देख रहे हैं ना, तो आपको गुरु बताएंगे, वास्तव में आपको गुरु देखेंगे ना, ठीक है? ओके कंचन सक्सेना। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। प्रभु जी, मेरा प्रश्न ये है, जैसे कि आपने बताया कि जो पुअर क्लैरिटी में कैसे हम सुधार लाएंगे, कि कैसे हम जप करें, तो मेरे साथ मतलब लास्ट 2 वीक से प्रॉब्लम आ रहा है कि जब मैं जप करती हूँ ना, तो शुरू के 2 माला पे जप अच्छा हो जाता है, मतलब बिल्कुल क्लैरिटी आती है जो भी हम जप भगवान का नाम जब लेते हैं, लेकिन जब मैं 3rd माला करती हूँ ना, उसके बाद कंटिन्यूअसली मेरा ना क्लैरिटी नहीं आ पाता। और मैं, जैसे आपने बताया कि संघर्ष करना, तो मैं कोशिश भी करती हूँ ना, तो प्रभु जी वो कंटिन्यूअसली मतलब क्लैरिटी नहीं आ पाती है, तो मुझे ना इस चीज को फील होता है, तो मन में ये आता है कि मैं ऐसे जब कर रही हूँ तो ये तो मैं अपराध ही कर रही हूँ, नाम अपराध, तो प्रभु जी इससे कैसे डील करें? मतलब मैं कोशिश करती हूँ, जब मैं बीच में रुक जाती हूँ माला करके, दोबारा से क्लैरिटी अच्छी आती है, लेकिन जब मैं कंटिन्यूअसली जब करती हूँ तो फिर क्लैरिटी खराब हो जाती है, फिर मैं बीच में 2 मिनट रुकती हूँ तो दोबारा क्लैरिटी अच्छी हो जाती है, मुझे समझ में नहीं आता कि कंटिन्यूअसली में क्यों प्रॉब्लम आता है प्रभु जी। आप प्रयास करते रहो, ठीक है, जी प्रभु जी, भगवान की कृपा मिलेगी आपको, ठीक हो जाएगा, जी प्रयास प्रभु करते जी, रहो। जी प्रभु जी। प्रभु जी, मेरा एक प्रश्न और है, जैसे ना हम कभी मेरी मम्मी के साथ हम लोग कहीं फैमिली रिलेशन में जाते हैं ना, तो मेरी मम्मी रिलेटिव्स में सबसे यही बोलती है कि ये माला करती है, 16 माला करती है, मतलब सबको बताती है, तो मुझे अच्छा नहीं लगता, क्योंकि कहते हैं ना, जब हम अपनी तारीफ सुनते हैं तो अच्छा नहीं लग, मतलब हमें नहीं सुनना चाहिए कि हम ऐसा करते हैं, तो प्रभु जी मैं ना मम्मी को बोलती हूँ, मम्मी ऐसा सबको मत बोला करो, बट वो कहती है कि क्यों, क्या दिक्कत है, तू गलत काम तो नहीं कर रही ना,
किसी को बताने में क्या प्रॉब्लम है, सब देख ही लेते हैं जब तेरे हाथ में माला भी होती है। तो मैं ना ये चीज ना मुझे मम्मी की अच्छी नहीं लगती, तो मुझे लगता है कि जब मैं मम्मी ऐसे किसी से बोलती है तो मुझे लगता है कि शायद ये गलत बोलती है, ऐसे नहीं बोलना चाहिए कि मैं 16 माला करती हूँ। क्योंकि फिर वो होता है ना कि भक्ति को जितना छुपाओ, जैसे कि हमने वैष्णवों से सुना है कि भक्ति को छुपाना चाहिए, दिखाना नहीं चाहिए, भगवान से प्रेम हमें अंदर से करना चाहिए, दिखावा नहीं करना चाहिए। तो वही चीज मुझे फील होती है कि मम्मा किसी को बताती है ना तो मुझे अच्छा नहीं लगता, लेकिन वो फिर भी नहीं मानती। बड़ी है तो क्या कर सकती हूँ, उनको अब डांट भी नहीं सकती, झगड़ा तो नहीं कर सकती, हाँ जी प्रभु जी, तो कोई बात नहीं। अगर वो आपने बोल दिया, अपना काम कर दिया, वो अब उनके ऊपर है। ठीक है प्रभु जी, थैंक यू प्रभु जी, धन्यवाद, प्रणाम, हरे कृष्ण। अनंग किशोरी, हाँ हरे कृष्णा प्रभु, धन्यवाद, प्रणाम। हरे कृष्णा। प्रभु मैं लाइक गृहस्थ हूँ, मेरी 2 बच्चे हैं, तो मैं ट्राई करती हूँ जितना श्रवण कीर्तन कर पाऊँ। एंड श्रील प्रभुपाद कहते थे कि सिम्टम ऑफ अ भक्त इज भक्ति परेशानुभाव विरक्ति अन्यत्र सत। तो वो जो विरक्ति है और जो ये जो असत तृष्णा है, विषयों के प्रति जो आसक्ति है, जो भक्ति में आने के पहले जो जो लोगों से हमारा इंटरेक्शन होता था स्कूल में कॉलेज में, वो जो इम्प्रेशंस हैं वो पूरी तरह से वाइप आउट अब तक हुए नहीं है। तो उसके लिए एक्स्ट्रा और क्या करना होगा, कि बार बार शास्त्र पढ़ने जप से जाएगा कि जप करने जब? से, ओके जप करने से सारे इम्प्रेशंस जाएंगे, है ना। जप सबसे प्रभावशाली माध्यम है, नाम जप, ठीक है ना। जी थैंक यू। अरे रेखा हाँ शर्मा माता जी, हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे प्रभु कृष्ण। जी, जैसे 16 माला करते हैं हम, तो हाँ मिनिमम टाइम कितना होना चाहिए? जैसे हमारी 1.5 से पौने 2 घंटे में हो जाती है 16 माला, वैसे कितना होना चाहिए? हाँ ठीक है, 2 घंटे, 2 घंटे ठीक ठीक है, ठीक, है ना। हरे कृष्णा प्रभु जी। साक्षी गौरांग प्रभु, हरी बोल। बोलिए बोलिए। आपकी आवाज नहीं आ रही। कृष्णा, हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। बोलिए। हाँ हरे कृष्ण प्रभु जी, मेरा क्वेश्चन था कि हम अपने अंदर शुद्ध भक्ति कैसे लाएं को, जिससे कि हमारा नाम जप काफी सुधर सके। प्रणादपि सुनि चैन तरुरपि सहिष्णुना अमानि नामान देन कीर्तनीय सदा हरि। इस श्लोक मैंने बताया, इसका विस्तार पूर्वक उसका पालन करेंगे तो आप शुद्ध भक्ति प्राप्त कर पाएंगे। ठीक है प्रभु जी, हरे शुभम। कृष्ण प्रभु, हरे कृष्ण प्रभु, दंडवत प्रणाम। प्रभु हाँ जी, मुझे ये पूछना था कि जैसे हम जब भजन ध्यान पूर्वक करने की कोशिश करते हैं और सेवा भी कर रहे होते हैं, और एक समय के बाद क्या होता है कि 15-20 दिन बीतते हैं, फिर एक एकदम से मन विचलित होता है बहुत तेजी से, लस्ट आता है, नशे की प्रवृत्ति जो हम पहले किया करते थे वो फिर से आती है। तो इसको सहन कैसे करें प्रभु जी? मतलब जब भी अगर हम 2 माला बढ़ा देते हैं, 16 से 18 पे पहुंचते हैं, फिर भी वो चीज जो है कम नहीं होती है प्रभु, तो प्लीज गाइड करें। 16 से 18 क्यों, और ज्यादा करो, 30 करो, 50 करो, 192 करो, 64 करो। जी प्रभु जी, यस, जप ज्यादा बढ़ाओ। अगर आपकी कंडीशनिंग ज्यादा है तो जप ज्यादा करो, और बिजी रहो, खाली मत रहो, ठीक जी प्रभु जी, है।
जी प्रभु, ठीक है, हरे सबसे कृष्ण। इम्पोर्टेंट है जप ज्यादा करना और फिर बिजी रहना, जी और प्रभु जी, मिनियल सेवा करोगे तो और अच्छा रहेगा, जैसे कि मंदिर में झाड़ू लगाना और ये सब मैंने जो बताया आज, बर्तन साफ करना, ये सब चीजें है ना, जी प्रभु, उससे जल्दी हमारा हृदय शुद्ध हो जाता है। जी, हरे चंद्रमुखी चित्रा कृष्ण। देवी माता जी, हरे कृष्णा प्रभु जी। प्रभु जी जी, बोलिए। जैसे माला जप करते समय कि कभी इमरजेंसी में फोन आ जाता है और कभी बोलना भी पड़ जाता है, और उसको चैतन्य महाप्रभु का महामंत्र बोल के हम करते हैं, तो जैसे टाइम नहीं है 16 में काउंट करने का, तो प्रभु जी इसको कैसे करें ये समझ में नहीं आता। ध्यान पूर्वक जप करना चाहिए, और जप के दौरान प्रयास कीजिए कि फोन ये सब अटेंड ना करें। इमरजेंसी हो तो अलग बात है, लेकिन प्रयास करना चाहिए कि जप के समय ध्यान पूर्वक जप कीजिए, ठीक है ना। प्रभु जी, तो उसको काउंट नहीं करना चाहिए अपने 16 माला में? हाँ, मतलब बात अगर कर रही है तो उसको उसका लाभ उतना नहीं मिलेगा। लाभ तो रहेगा लेकिन उतना ज्यादा नहीं मिलेगा। प्रभु जी उसको चैतन्य महाप्रभु का महामंत्र बोल के करते हैं, तो कहते हैं अपराध क्षमा हो जाता है, तो ऐसा कुछ है? तो ये भी एक अपराध है कि अच्छा, अपराध क्षमा हो जाता है, इसलिए अपराध करके जब कर लेंगे। तो वही बात हुई, किसी को थप्पड़ मार के और फिर उसको बोल देंगे, उसकी बड़ाई कर देंगे, फिर थप्पड़ मार के फिर बड़ाई कर देंगे, फिर थप्पड़ मार के फिर, पता चल गया कि बड़ाई करने से व्यक्ति क्षमा कर देता है तो उसको हम थप्पड़ मारते रहेंगे, ये भी अपराध है ना। और प्रभु जी दूसरा क्वेश्चन है कि जैसे कि मिड मून के समय अगर माला करूँ, तो कभी कभी मतलब माला बोल हरे कृष्णा महामंत्र बोलते रहते हैं, तो कभी कभी महामंत्र जो है बड़ा मतलब बहुत धीरे मतलब तेज गति से नहीं हो पाता प्रभु जी, इसमें क्या परेशानी आती है? कभी मतलब कि हरे कृष्ण फिर उसके बाद मतलब बोलने में भी थोड़ा वो लग अपनी अजीब से लगने लगता है कभी कभी, उसको कैसे समझ सकते हैं बाबू जी? आप बस जप करते रहिए, प्रयास कीजिए जप करने का बस, ठीक है ना। बाबू जी ठीक जप करने का प्रयास कीजिए। महेश है, हरे कृष्ण। चंद्र सक्सेन सक्सेना प्रभु। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हाँ बोलिए। प्रभु जी, मेरा क्वेश्चन तो नहीं है, बट एक छोटा सा ये पूछना था। प्रभु जी, जब हम सुबह जब करने वाला लाउडली, तो मेरे साथ अजीब सी एक फीलिंग होती है, जो मुझे प्रभु जी फीलिंग ये होती है, एक तो मेरे जब हम जब करते हैं लाउडली तो जैसे रोंगटे से खड़े हो जाते हैं, गला रूंद जाता है और अश्रु धारा सी बहने, मतलब आंखों में आंसू से आने लगते, तो ये मैं समझ नहीं पा रहा हूँ प्रभु जी, ये है क्या? नहीं, अच्छा है, ये जप का ये प्रभाव है, प्रेम के लक्षण है ना। जी, थैंक यू प्रभु जी, हरे कृष्णा प्रभु जी, धन्यवाद। निर्लिप्तता, तो मैं यहीं पे विराम दूंगा क्योंकि 10 बज गया, बाकी सब भक्तों का प्रश्न हम अगली बार ले लेंगे। हरे कृष्ण, थैंक यू। हरे कृष्णा। प्रभु जी का बहुत आभारी हैं, प्रभु जी का जितना आभार व्यक्त करें उतना कम है। प्रभु जी आज ही ट्रेवल करके आए हैं और प्रभु जी ने आज भी लिमिट एक्सटेंड करके अपनी 10 बजे तक हमने अपना एसोसिएशन दिया और जब से संबंधित इतनी महत्वपूर्ण शिक्षाएं हमें प्रदान करी। हरे कृष्ण महामंत्र बोल के प्रभु जी का आभार हम व्यक्त करेंगे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, कृष्णा कृष्णा हरे राम हरे हरे राम राम हरे, राम
हरे 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 कृष्णा। जिन भक्तों के प्रश्न आज रह गए हैं तो ऐसा कर सकते हैं कि नेक्स्ट सेशन में पहले ही अपना हैंड रेस कर ले, है ना, तो कि पहले चांस मिल जाता है, क्योंकि इतने सारे प्रश्न रहते हैं, सबका प्रश्नों का उत्तर ले पाना काफी कठिन रहता है। तो जिन भक्तों के प्रश्न रह गए हैं वो पहले ही अपने हैंड रेस कर ले अगले सेशन में, ठीक है। हरे कृष्ण।